हेलो डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? रेडी हैं? ओके, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग शिवानी, पंकज, डेविल। ओके, रेडी आप लोग? मेडिसिनल केमिस्ट्री। ओके, आज बात करने वाले हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री। कैसे पढ़ना है मेडिसिनल केमिस्ट्री, क्या प्रॉब्लम आती है? बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री में, सर कैसे पढ़े, स्ट्रक्चर याद नहीं होते हैं, केमिकल नेम बहुत लेंदी होता है, ट्रोसाइक्लिक रिंग रिकॉल नहीं हो पाती है, ग्रुप की बात कैसे होगी। तो हम बात करेंगे कैसे इसको रिकॉल किया जाता है, कौन सा ग्रुप लगाएंगे, क्या प्रॉपर्टी चेंज होती है। ठीक है, मेडिसिनल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री एंड हाइड्रो केमिस्ट्री है ना, सब एक दूसरे से कोरिलेट है। ठीक है, इसलिए हम लोग फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की बात करते हैं, सीधे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। ठीक है, तो अब जो है मेडिसिनल केमिस्ट्री में जो सिंपल आपका जो बेस है, जैसे ग्रुप क्या है, रिंग क्या है, उस ग्रुप को लगाने से कौन सी प्रॉपर्टी चेंज होगी, है ना, ये सब चीजें हम बात करने वाले हैं और केयरफुली डिस्कस करेंगे, समझिए उसको। ठीक है, क्लियर है? ओके, गुड इवनिंग संदीप, तन्मय, शिवानी, गुड इवनिंग। चले स्टार्ट करें, रेडी है? चलिए स्टडी करते हैं। तो आज बात करने वाले हैं कोलिनर्जिक सिस्टम, एक जनरल इंट्रोडक्शन के साथ, एक जनरल इंफॉर्मेशन के साथ, बस कुछ ट्रिक की बात करेंगे उसमें, है ना, बहुत सारे ड्रग की। तो चलिए बात करते हैं क्या है कोलिनर्जिक सिस्टम। कोलिनर्जिक सिस्टम में मेन ड्रग क्या है आपका, क्या बोलते हैं, सिंपैथोमेट्रिक, पैरासिंपैथोमेट्रिक, क्या बोलेंगे, पैरासिंपैथोमेट्रिक। तो इसमें जो है एस्टाइल कोलिन, ओके, स्टाइल कोलिन डेरिवेटिव ड्रग की बात करेंगे। तो यहाँ पर जनरल आपका है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो क्लासिफाई किया गया नर्वस सिस्टम को, है ना। तो पैरासिंपैथेटिक की हम बात करने वाले हैं आज, ओके। तो पैरासिंपैथेटिक को एएनएस के कैटेगरी में रखते हैं, राइट। तो पैरासिंपैथेटिक में आपका क्या है, आप देखो यहाँ पर दो चीजें हैं, यहाँ पर सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक, ठीक है। फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट एक दूसरे क्या होते हैं, दोनों फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट, एक पर्टिकुलर डिप्रेस कर रहा है हार्ट को, तो दूसरा क्या कर रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है, ठीक है। ये फार्माकोलॉजी में आपने डिस्कस किया गया होगा सारी चीजें डिटेल में, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एक दूसरे के एंटागोनिस्ट होते हैं, जैसे ब्रोंकस है, ब्रोंकस को स्टिमुलेट करेगा, ब्रोंकियल्स को तो रिलैक्स करता है, सिंपैथिक मिमेटिक जो होते हैं, एनर्जिक जो है कैटकॉल एमिन जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो कोलिनर्जिक आपको, तो एक दूसरे के देखिए सिंपल एंटागोनिस्ट होता है ना, टीआईटी को स्टिमुलेट कर रहा है, तो यहाँ पर क्या है, रिलैक्स कर रहा है, ठीक है। तो इसी से फिजियोलॉजिकल जो एक्शन होता है वो आपको स्ट्रक्चर कैसे मॉडिफाई करने से कौन सी एक्टिविटी चेंज हो जाती है, किसको स्टिमुलेट कर रहा है, किसको रिलैक्स कर रहा है, ठीक है, ये डिपेंड करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोलिनर्जिक में। ये रिसेप्टर की बात होती है, निकोटिन रिसेप्टर, मसलिन रिसेप्टर, है ना, सिंपल फार्माकोलॉजी है, पहले खाओ फिर दिल लगाओ, बाकी काम बाद में, है ना। तो M1 M2 पहले खाओ स्टमक में, और ठीक है, तो ये आपका कॉन्सेप्ट M1 M2 रिसेप्टर्स जो होते हैं स्टमक में होता है, फिर हार्ट में M2 होता है, बाकी सब जगह होते हैं, बाकी जो रिमेनिंग होता है M3 M4, ठीक है। तो ये इसमें रिसेप्टर बेस्ड है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग क्या, मस्किनो मिमेटिक, रिसेप्टर पर जो बाइंड होगा, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे मस्किनिक की, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्टाइल कोलिन की, है ना, सिंथेसिस कैसे होती है। तो अब देखो यहां पर सिंथेसिस टर्म्स यूज किया जा रहा है, बायोसिंथेसिस, सेमी सिंथेसिस और सिंथेटिक, है ना। बायोसिंथेसिस जिसको बोलते हैं जो किसी भी ऑर्गेनिज्म में हो, ठीक है। बायोसिंथेसिस टर्म कब यूज करते हैं, जब किसी भी ऑर्गेनिज्म में, चाहे वो आपका बैक्टीरिया हो, चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे ह्यूमन बींग हो, अगर उसके अंदर सिंथेसाइज हो रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे बायोसिंथेसिस, यस, ठीक है, फर्स्ट क्लास है बेटा ये, है ना। ओके, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो बायोसिंथेसिस, सेमी सिंथेटिक क्या होता है, जो भी बायोसिंथेसाइज किया गया है उसमें थोड़ा कुछ ग्रुप मॉडिफाई कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, जिससे उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, चाहे फार्माकोडायनामिक्स हो, चाहे काइनेटिक्स हो, ये प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, उसको बोलते हैं सेमी सिंथेटिक, ठीक है। और सिंथेटिक जो लैब में यूज करते हैं, तो सिंथेटिक का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या होता है, उसके साइड इफेक्ट बहुत मिलेंगे, सिंथेटिक के साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो स्टाइल कोलिन की बायोसिंथेसिस कैसे होती है,
इसकी बात करते हैं, तो जो इसका प्रिकर्सर है वो है सेरीन। क्या है? सेरीन। सेरीन क्या होता है? जो सेरीन है, सेरीन क्या है? ये एमिनो एसिड है। सेरीन एमिनो एसिड है। यहां देखो अब बायोकेमिस्ट्री आ गया, अब बात मेडिसिनल केमिस्ट्री की हो रही है। अब इसमें सेरीन कहां से आ गया? सेरीन किससे रिलेटेड है? सेरीन किससे रिलेटेड है? सेरीन जो है आपका, सेरीन किससे रिलेटेड है? एमिनो एसिड है ना सेरीन, बायोकेमिस्ट्री से है। तो अब बायोकेमिस्ट्री से एमिनो एसिड आ गया, अब सेरीन किस टाइप का है? एमिनो एसिड एल्कोहलिक है ना। तो सेरीन से जो है यहां पर आपका सीधे सीधे सिंथेसिस स्टार्ट होती है सेरीन। ये है सेरीन, ठीक है, ये है ना। इसी से जो है आपका स्टाइल कोलिन की सिंथेसिस शुरू होती है। तो प्रिकर्सर क्या है स्टाइल कोलिन का? भाई बायोसिंथेसिस हो रहा है, डेफिनेटली किसी न किसी एमिनो एसिड से बनता है। सेम पैटर्न में आप जैसे प्यूरिन की बात करता हूं, प्यूरिन जब बॉडी में बनता है, डीएनए आरएनए बेस होता है, नहीं बेस होता है, प्यूरिन जब सिंथेसाइज होता है, बायोसिंथेसिस होती है बॉडी में, तो किसी न किसी एमिनो एसिड से उसके डिफरेंट ग्रुप आते हैं। तो यहां पर जो है सेम चीज है, स्टाइल कोलिन की जब सिंथेसिस होती है, बायोसिंथेसिस बॉडी में, तो किसी एमिनो एसिड से स्टार्ट होगी, वही प्रिकर्सर होगा, ठीक है। तो पहला जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है इसमें, सेरीन आपका प्रिकर्सर है किसका? स्टाइल कोलिन का, क्लियर है। तो यहां पर सेरीन एल्कोहलिक होता है। अब इसको जो है डीकार्बोक्सिलेट इंजाइम, अब देखो इसमें सारे इंजाइम इन्वॉल्व होंगे, बायोसिंथेसिस में क्या इन्वॉल्व होते हैं? इंजाइम इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, इंजाइम इन्वॉल्व होते हैं। तो कौन कौन से इंजाइम जो है इन्वॉल्व होगा? तो फर्स्ट स्टेज क्या है यहां पर? सेरीन डीकार्बोक्सिलेज, सेरीन डीकार्बोक्सिलेज यहां पर है ये। इसका मतलब क्या होगा? ये CO2 को रिमूव करेगा, कौन? सेरीन डीकार्बोक्सिलेज, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कहां से? ये इस कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करेगा। तो क्या होगा यहां पर? सिर्फ क्या बचा? NH2, इसी को बोलते हैं 2 एमिनो इथेनॉल। तो 2 एमिनो इथेनॉल, ठीक है, 2 एमिनो इथेनॉल का फॉर्मेशन हो गया। 2 एमिनो इथेनॉल का मतलब क्या होगा? ये 1 हो गया और ये 2 है, 2 पर क्या है? एमीन लगा है और ये इथेनॉल, ठीक है, 2 एमिनो इथेनॉल। उसके बाद जो है कोलीन का फॉर्मेशन होता है, कोलीन का फॉर्मेशन ये। अब कोलीन के लिए क्या है? नाइट्रोजन पर मिथाइल ग्रुप अटैच हो रहा है ना, तो इसके लिए जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है, कोलीन यन मिथाइल ट्रांसफरेज, मींस नाइट्रोजन पर मिथाइल ग्रुप का ट्रांसफर इसके एस एडेनोसिन मेथियोनिन के प्रेजेंस में, ठीक है। अब जो है यहां कोलीन, अब देखो इसको कोलीन जो होता है, स्ट्रक्चर पूछा जाता है, कोलीन जो है, कोलीन में जो साइड चेन है यहां पर OH एल्कोहल डेरिवेटिव होता है, मर्केप्टो डेरिवेटिव होता है, एमीन डेरिवेटिव होता है, नॉन ऑफ द एबव। तो क्या आंसर होगा? क्या आंसर होगा बताता हूं अभी, स्ट्रक्चर कैसे याद रखेंगे, ठीक है। हाँ, अब देखो यहां पर क्या होता है, कोलीन क्यों यूज किया, कोलीन जो वर्ड यूज किया जाता है यहां पर, कोलीन जो यूज किया जाता है आपका ये एल्कोहल, एल्को, एल्कोहल में क्या आता है? को आता है, को। स्ट्रक्चर को कैसे याद करते हैं, कैसे कोरिलेट किया जाता है स्ट्रक्चर को? किसी भी ड्रग का जो नेम होता है, मैं बता दे रहा हूं पहले समझ लो, ड्रग का जो नेम होता है किसी भी ड्रग का, मैक्सिमम उसके स्ट्रक्चर में जो ग्रुप लगा हुआ है उससे कोरिलेट करता है। और जिसको जिसको ग्रुप का इंफॉर्मेशन नहीं होगा उसके लिए मेडिसिनल केमिस्ट्री बहुत टफ लगेगी, हवा नहीं, पता नहीं चलेगा क्या हो रहा है, कैसे हो गया, जिसको जिसको ग्रुप क्लियर है, ठीक है। आपको पता नहीं मेथॉक्सी क्या है, आपको पता नहीं मर्केप्टो क्या है, आपको पता नहीं कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या है, आपको पता नहीं है कि कौन सी बेसिक रिंग है, साइड चेन क्या है, कब इसको इन बोलेंगे, कब ओन बोलेंगे, कब है ना। तो जब जो है एक ग्रुप का इंफॉर्मेशन हो जाएगा, कब सल्फानिल बोलेंगे, कब सल्फिनिल बोलेंगे, ठीक है। तो ग्रुप का इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और हेट्रोसाइक्लिक रिंग का, ठीक है, तब आपको मिश्रण केमिस्ट्री बहुत इजी लगेगी, अदरवाइज
अदरवाइज लगेगा कि कुछ समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो बेस सबसे इंपॉर्टेंट है। तो कोलिन में को जो वर्ड आता है, को एल्कोहल से आता है, एल्को को एल्कोहल जो प्रोनाउंसिएशन आता है, को का साउंड आता है वो एल्कोहलिक का है। को लीन मतलब है, मीन है, आई मीन कौन सा है, कोलिन में क्वार्टनरी है, इसी को बोलते हैं इनियम। ठीक है, क्या बोलते हैं, तो कोलिन में क्वार्टनरी रहता है। अब उसके बाद जो है यहां पर स्टाइल कोएंजाइम के प्रेजेंस में कोलिन जो है रिएक्ट करेगा कुछ स्टाइल कोएंजाइम से और आपका एस्टाइल कोलीन फाइनल प्रोडक्ट देता है। ठीक है, अब एसिटाइल एस्टाइल ग्रुप क्या है, एसिटाइल और एस्टाइल ऑक्सी में क्या डिफरेंस है। अब देखो, बेस चाहिए हमको, बेस चाहिए एसिटाइल और एस्टाइल ऑक्सी, दो वर्ड आ रहे हैं। ठीक है, दोनों सेम है या डिफरेंट है। अगर आपको डिफरेंट समझ में आ रहा है दैट्स गुड, लेकिन अगर नहीं समझ में आएगा तो लगेगा कि प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, तो यहां पर जो है अगर हम एस्टाइल कोलीन की बात करें, ठीक है, तो एस्टाइल कोलीन देखो ये है एस्टाइल कोलीन, ये है एस्टाइल ग्रुप, इसको बोलते हैं एसिटाइल ग्रुप। ठीक है, एसिटाइल एसिटाइल ग्रुप कहते हैं, और जैसे ही ऑक्सीजन लगाएंगे एसिटाइल ऑक्सी हो गया। क्या हो गया, एसिटाइल ऑक्सी। अब यहां पर जो है इथाइलीन लिंकेज है, ये इथाइलीन लिंकेज मस्ट है एस्टाइल कोलीन के लिए। अगर एस्टाइल कोलीन में इथाइलीन लिंकेज अगर आप उसको चेन को इनहेंस करते हो, डिक्रीज करते हो, तो एक्टिविटी चेंज हो जाएगी। अभी मैं बात करूंगा स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। यस, मेडिसिनल केमिस्ट्री का एक बड़ा सेगमेंट होता है स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। क्यों, क्योंकि केमिस्ट्री का मतलब ही होता है स्ट्रक्चर में चेंज करने से कौन सी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। होता क्या है, हमने स्ट्रक्चर ड्रा कर लिया, यूज लिख दिया, मोड ऑफ एक्शन लिख दिया, हो गई केमिस्ट्री। ऐसा नहीं होता है मेडिसिनल केमिस्ट्री। मेडिसिनल केमिस्ट्री का मतलब ये एस्टाइल ऑक्सी ग्रुप लगा है तो इस कीटो का क्या मतलब है, ऑक्सीजन लगा है उसका क्या इंपॉर्टेंस है, CH2 CH2 लगा है उसका क्या इंपॉर्टेंस है, और ये जो नाइट्रोजन लगाने जा रहे हैं इसका क्या इंपॉर्टेंस है, अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया तो इस पर क्या इंपॉर्टेंस होगा, अगर यहां पर मिथाइल लगा है तो इसका क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, ये होता है केमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री। मेडिसिनल केमिस्ट्री का मतलब है फार्माकोडायनामिक्स, ठीक है, और फार्माकोकाइनेटिक्स। हमेशा जब भी स्ट्रक्चर ड्रा करो, किसी भी ड्रग के स्ट्रक्चर में दो पार्ट होंगे, एक होगा डायनामिक पार्ट और एक होगा काइनेटिक पार्ट। ठीक है, किसी भी स्ट्रक्चर में। अब आइडेंटिफाई करना है कि डायनामिक क्या है और काइनेटिक क्या है। ठीक है, डायनामिक का मतलब होता है क्या होता है, मतलब ध्यान समझो, डायनामिक का मतलब होता है एफिनिटी। क्या मतलब है, एफिनिटी, और उसके बाद जो होगा इफिकेसी। ठीक है, एफिनिटी और इफिकेसी, ये दो चीज डिसाइड करता है इसका स्ट्रक्चर। एफिनिटी, कोई भी ड्रग एक्शन तभी शो करेगा जब पहले एफिनिटी होगी। होगी कि नहीं होगी, होगी कि नहीं होगी, जब ड्रग एफिनिटी नहीं होगी रिसेप्टर पर, ठीक है, तो एक्टिविटी कैसे होगी। तो कौन सा ग्रुप एफिनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इस ग्रुप में कौन सा ग्रुप एफिनिटी करेगा मस्कुलिन रिसेप्टर पर, मस्कुलिन रिसेप्टर बाइंड होता है, क्लियर है ना, मस्कुलिन रिसेप्टर बाइंड। अब देखो इसको, इसकी केमिस्ट्री देखो सबसे पहले। अब ये दो पार्ट लेके चलते हैं, दो पार्ट, किसी भी ड्रग में दो पार्ट आपको क्लियर हो जाएगा तो आप सारे ड्रग का उसी पैटर्न में पढ़ना है। किसी भी ड्रग की केमिस्ट्री अगर आपको पढ़नी है तो सेम पैटर्न में पढ़िए, एफिनिटी इफिकेसी। एफिनिटी होगी तभी इफिकेसी होगी, चाहे वो ड्रग रिसेप्टर से बाइंड हो, चाहे वो किसी चैनल से जाके बाइंड हो जो ब्लॉक करेगा, चाहे वो किसी एंजाइम से जाके बाइंड हो। भाई कितने कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर होते हैं, है ना, क्या करते हैं, कंपीट करते हैं। एफिनिटी का मतलब क्या है, फोर्स इन्वॉल्व टू दैट पर्टिकुलर साइट, जिस साइट पर ड्रग बाइंड हो रही है उस पर कौन सा फोर्स लग रहा है। तो कौन सा फोर्स लगता है आपको पता है, क्या क्या लगता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड लगता है, राइट,
डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन, डाइपोल आयनिक इंट्रैक्शन, वांडरवाल फोर्स एंड हाइड्रोफोबिक फोर्स, समथिंग लाइक दिस। दोनों एक ही चीज है, वांडरवाल और हाइड्रोफोबिक। ये फोर्स है, यस, ये फोर्स है जो किसी भी ड्रग के लिए, अगर वो रिसेप्टर बेस है, एफिनिटी के लिए है, तो ये फोर्स आपको देखने पड़ेंगे कौन सा फोर्स लग रहा है। और ये तभी आप बता पाओगे जब आपको ग्रुप का नॉलेज होगा, कौन सा ग्रुप हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। तो हम लोगों को क्या प्रॉब्लम आती है जब हम लोग स्टार्ट करते हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़ने, समझ में नहीं आता हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन सा ग्रुप बनाएगा, क्या कंडीशन होना चाहिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए, कौन सा ग्रुप आयनिक बॉन्ड बनाएगा, कौन सा ग्रुप डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन प्रोड्यूस करेगा, कौन सा ग्रुप डाइपोल आयनिक करेगा, ठीक है। और क्या होता है हाइड्रोफोबिक फोर्स, वांडरवाल्स इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये ग्रुप जब केमिस्ट्री जब पढ़ते हैं बेस बेस, तब आपको समझ में आता है। अब किसी ड्रग की पोटेंसी ज्यादा हो गई, कोई ड्रग फास्ट एब्जॉर्प्शन हो रहा है, किसी ड्रग का रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन है, कोई ड्रग फास्ट मेटाबॉलिज्म हो रहा है, किसी ड्रग का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कम हो रहा है, ये कुछ समझ में नहीं आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये तभी आपको समझ में आएगा जब इसके केमिस्ट्री की प्रॉपर्टी आपको समझ में आ रही है। तो हम लोग यही बात करेंगे, हम लोग यही बात करेंगे कैसे जो है केमिस्ट्री को स्टडी करना है, ड्रग को कैसे समझना है। क्यों? क्योंकि अगर आप समझ गए तो आपको स्ट्रक्चर क्लियर हो जाएगा कि ये वाला ड्रग में ये वाला ग्रुप लगेगा, इसलिए इसकी एफिनिटी ज्यादा है, इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ज्यादा है, इसका मेटाबॉलिज्म स्लो होगा, ठीक है, इसकी हाइड्रोलिसिस स्लो होगी, ये सारी चीजें। तो अब देखो ये सारे फोर्स क्लियर हो गए, कौन कौन से फोर्स लगते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कौन सा ग्रुप कौन सा फोर्स लगाएगा, ठीक है, कौन सा ग्रुप कौन सा फोर्स लगाएगा, ठीक है ना। अब देखो जब भी स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं, जब भी स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं, तो यहां पर जैसे हमने बात किया इसका, ये एक बार फिर से ड्रा कर देता हूं मैं, ये वाला फोर्स जो होता है आयनिक बॉन्ड लगाएगा, जो नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है डेफिनेटली वो आयनिक बॉन्ड बनाएगा। किसी भी जो है आपका जो भी चार्ज होगा, जो भी अमीनो एसिड होंगे जिस पर निगेटिव चार्ज होगा, अमीनो एसिड होते हैं ना कैटायनिक एनायनिक, तो एनायनिक वाली साइड से जो है जो भी रिसेप्टर आपका होगा यहां पर, उससे आयनिक बॉन्ड बनाएगा, डेफिनेटली बॉन्ड बनाएगा। ये फोर्स जो होता है लाइपोफिलिक, इसको हाइड्रोफोबिक फोर्स बोलते हैं, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, ठीक है। ये हाइड्रोफोबिक जो होगा इसके रिसेप्टर पर जो आपका है ना पॉकेट, उसके साथ ये अलाइन होगा, उसके साथ अलाइन होगा। अगर आप इसके साइज को कम कर दोगे, एक्टिविटी वैरी कर जाएगी, एक्टिविटी वैरी कर जाएगी, सिंपल सी बात है। जैसे इसको इनलॉर्ज कर देंगे तो भी केमिस्ट्री वैरी कर जाएगी, इसका एफिनिटी जो है प्रॉपर नहीं हो पाएगा, एक्टिविटी चेंज हो जाएगी। यहां आ जाओ, ये देखो लोन पे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यहां पर क्या है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, डाइपोल जनरेट हो गया, कीटो में डाइपोल जनरेट हो गया। अब ये जहां भी आएगा, मान लीजिए किसी नेगेटिव वाले से बाइंड हुआ, ठीक है, तो डाइपोल डाइपोल आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अगर आयनिक किसी कैटायन से एनायन से बाइंड हुआ तो इसको बोलते हैं डाइपोल आयनिक बॉन्ड, ठीक है। ये जो है किसी हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन से बॉन्डिंग हुआ तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए क्या कंडीशन होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए कंडीशन क्या होता है, ऐसा हाइड्रोजन जो किसी इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम से अटैच हो, ध्यान समझो, कौन सा हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, कंडीशन क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, ऐसा हाइड्रोजन जो किसी भी इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम से अटैच हो। किससे अटैच होना चाहिए हाइड्रोजन को? इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम से अटैच होना चाहिए, तभी वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, अदरवाइज नहीं बनाएगा। अब समझो कि ये वाला, ये जो हाइड्रोजन लगा है यहां पर मिथाइल में, जो हाइड्रोजन लगे हैं, ये हाइड्रोजन लगे हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा क्या? मिथाइल का हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा? तभी नहीं बनाएगा। क्यों? क्योंकि ये कार्बन से अटैच है और कार्बन इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम तो है नहीं। हाइड्रोजन वही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा जो डायरेक्टली किसी इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम से अटैच हो, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे नाइट्रोजन हो, चाहे हाइड्रोजन हो, ठीक है, ये कंडीशन होता है।
ये कंडीशन होता है तो उस केस में देखो, मैं फार्माकोडायनामिक्स की बात कर रहा हूं। डायनामिक्स में सबसे पहले काइनेटिक्स की बात होती है, फार्माकोडायनामिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स में सबसे पहले काइनेटिक्स की बात होती है, तब डायनामिक की बात होती है। काइनेटिक का मतलब ड्रग को पहले एब्जॉर्ब कराना है, ड्रग एब्जॉर्ब ही नहीं होगी तो कैसे कैसे डायनामिक होगा। एडीएमई, काइनेटिक्स में एडीएमई इंपॉर्टेंट है। एडीएमई के लिए हमें ड्रग को एब्जॉर्ब कराना है। एस्टाइल कोलीन की अगर हम बात करेंगे, इसको ओरल रूट से नहीं देते हैं। एस्टाइल कोलीन को ओरल रूट से नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? अब इसकी केमिस्ट्री देख लो, क्यों नहीं देते हैं इसको? इसकी केमिस्ट्री के लिए आपको क्या करना है? देखो क्यों नहीं देते हैं इसको, समझो। ये है एस्टाइल कोलीन, क्यों नहीं दिया जाता है ओरल रूट से, पहला बात। तो यहां पर जो है ये आयनिक फॉर्म में, आयनिक फॉर्म में जो है आयन चार्ज है, चार्ज वाला एब्जॉर्ब नहीं होगा। किसी भी कंपाउंड में अगर चार्ज है तो वो एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो सवाल ही नहीं पैदा होता है कि ओरल रूट से देंगे उसको, पहली बात। दूसरी बात क्या है इसमें, ये जो है एस्टर है, क्या है ये? एस्टर है। इसकी हाइड्रोलिसिस एससीएल के प्रेजेंस में हो जाती है, एससीएल के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस हो जाती है और ये ब्रेक हो जाता है एस्टिक एसिड और कोलीन में। किसमें ब्रेक हो जाएगा? नहीं, एंजाइम नहीं, हाइड्रोलिसिस एसिड ओरल रूट से, एंजाइम तो बाद में आएंगे, ठीक है। ये जो पहले ये आपका ड्रग जो यहां पर है एसिड के प्रेजेंस में स्टेबल में ही इसका राम नाम ओके कर देगा, ठीक है। ड्रग जो है तो एससीएल है ना, हाइड्रोलिसिस आपको पता है, एससीएल के प्रेजेंस में, वाटर के प्रेजेंस में हाइड्रोलाइज होगा एस्टर, इसीलिए तो आगे बात करते हैं वो कार्बन कार्बामेट वगैरह जो डेरिवेटिव बनाते हैं, कार्बाकोलिन। कार्बाकोलिन क्यों बनाते हैं? ताकि कार्बाकोलिन को ओरल रूट से देते हैं, नहीं देते हैं, ठीक है। ये कार्बाकोलिन था, है ना, अभी बात करूंगा कार्बाकोलिन। ये अब ये कार्बाकोलिन जो है, कार्बा जिसे बोलते हैं कार्बाकोलिन, अब इसको ओरल रूट से दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये एमाइड है, ये एमाइड हो गया, ये क्या था? एस्टर था। अब कोई बच्चा पूछता है, सर एमाइड वाला है कि हाइड्रोलिसिस इजिली क्यों नहीं होती है, एस्टर की हाइड्रोलिसिस इजिली हो जाती है, क्यों, क्या रीजन है? अब वहां पर केमिस्ट्री आ जाएगी, ठीक है, अब वहां पर केमिस्ट्री आ जाएगी, है ना। तो दो चीजें होती हैं यहां पर, समझना पड़ेगा हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है, तब जाके उसका एक्सप्लेनेशन मिलेगा, ठीक है। तो इतना जो है आपको, जो कंपटीशन की हम लोग प्रिपरेशन करते हैं, तैयारी करते हैं, ठीक है, तो उसमें सिर्फ ये रहता है, इतना हम समझ जाते हैं, यार कार्बामेट है मतलब कार्बा एमाइड डेरिवेटिव है, इसका हाइड्रोलिसिस स्लो होता है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ज्यादा होगा, बस इतना जानते हैं। लेकिन क्यों नहीं, क्यों होती नहीं होती है एमाइड की हाइड्रोलिसिस स्लो क्यों होती है, ये जानने की कोशिश नहीं करते हैं, बस इतना जानते हैं कि एमाइड स्टेबल होता है, हाइड्रोलिसिस स्लो होती है, बस। क्यों होती है एमाइड की हाइड्रोलिसिस स्लो क्यों होती है, ठीक है। तो यहां पर रीजन क्या होता है, अब यहां पर क्या होता है, हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है कि जैसे ये OH माइनस है, ठीक है, हाइड्रोलिसिस OH माइनस वाटर का, अब ये यहां पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, यहां पर पॉजिटिव चार्ज, ये जो है यहां पर अटैक करेगा। OH माइनस क्या है? न्यूक्लियोफाइल है ना, न्यूक्लियोफाइल क्या है, यहाँ पर अटैक कर देगा और ये सिंपल जो है हाइड्रोलाइज हो जाता है मॉलिक्यूल। लेकिन यहां पर क्या होता है, यहां पर जो निगेटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, ये OH माइनस जैसे ही यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है, ये लोन पे इलेक्ट्रॉन, ये तुरंत कंजुगेट हो जाता है यहाँ पर, यहां समझो, जैसे ही यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है, ये लोन पे इलेक्ट्रॉन यहाँ कंजुगेट हो जाता है और ये OH कहाँ अटैक करेगा। अब यहाँ पे इंटेंसिटी कम हो गई कार्बन पर, जो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा था, यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा था इंटेंसिटी कम हो गई, ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है, इसका अटैक इजिली नहीं हो पाता है, होता है इजिली नहीं हो पाता है, जिससे हाइड्रोलिसिस स्लो हो जाती है, होता है हाइड्रोलिसिस बट स्लो होगा, ये रीजन होता है एमाइड का, ठीक है। इसलिए कार्बामेट जो कार्बाकोलीन होता है ओरल रूट से दिया जाता है, एस्टाइल कोलीन को रूट से
नहीं दिया जाता है, ठीक है, ये रीजन है। प्लस स्टाइल कोलिन जो होता है नॉन सेलेक्टिव होता है। स्टाइल कोलिन क्या होता है? नॉन सेलेक्टिव होता है। नॉन सेलेक्टिव क्यों होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टाइल कोलिन नॉन सेलेक्टिव क्यों होता है। अब केमिस्ट्री पे बात करोगे तो ये एक सिंपल मॉलिक्यूल्स पर आधे घंटे ऐसे ही डिस्कस हो जाएगा, इतने सारे उसमें केमिस्ट्री रहता है कि जो है तो मिक्सर केमिस्ट्री जल्दी नहीं खत्म होती है, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन जब आते हैं उसके बेस पर स्टडी करते हैं, ठीक है, क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री इलेक्ट्रॉन बेस, इलेक्ट्रॉन लेवल तक चला जाता है। तो यहां पर जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टाइल कोलिन नॉन सेलेक्टिव क्यों होता है? वो सेलेक्टिवली जो है M1 या M2 या M3 किसी एक सेलेक्टिव रिसेप्टर पर बाइंड क्यों नहीं होता है? एस्टाइल कोलिन नॉन सेलेक्टिव है क्यों? तो क्या आंसर होगा, क्या आंसर देंगे? ओके, ठीक है, चलिए। तो यहां पर जो है रीजन क्या होता है, कंफर्मेशन क्या होगा, कंफर्मेशन, ठीक है। कंफर्मेशन जो होता है इसका, इस स्टाइल कोलिन में जो कंफर्मेशनल चेंजेज आते हैं, इसमें जो आपका कंफर्मेशनल चेंजेज होता है यहां पर सिग्मा बॉन्ड के थ्रू, सिग्मा बॉन्ड जो है CH2 CH2 के थ्रू जो होता है सिग्मा बॉन्ड, उसमें जो है रोटेशन होता है जिसको बोलते हैं कंफर्मेशनल चेंज। तो कंफर्मेशनल कितने बन सकते हैं? कंफर्मेशनल बहुत सारे बन जाते हैं जिससे क्या होता है, ये सेलेक्टिवली पर्टिकुलर रिसेप्टर पर बाइंड नहीं होता है, इसलिए ये नॉन सेलेक्टिव हो जाता है, इसलिए ये नॉन सेलेक्टिव हो जाता है। तो इसलिए स्टाइल कोलिन क्वेश्चन जो पूछा जाता है नॉन सेलेक्टिव क्यों होता है, तो आंसर सीधे सीधे बोलिए, ड्यू टू द कंफॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म, ठीक है, ठीक है ना, ड्यू टू द रोटेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड, जो इथाइलिन होता है यहां पर सिग्मा बॉन्ड रोटेशन होता है जिससे क्या होता है, लाओ जो है आपका थाउजेंड्स मिलियंस जो जो बनते हैं आइसोमर्स, उससे क्या होता है सेलेक्टिविटी नहीं हो पाती है, इसलिए ये नॉन सेलेक्टिव होता है। ओके, चलो तो ये हो गया आपका। अब इसकी सार की हम बात कर रहे थे, सार में क्या है, कुछ नहीं, सार में आपको आप डिफरेंट डिवाइड कर लीजिए इसको डिफरेंट ग्रुप में। यहाँ पर जो सार पूछा जाता है, सार पे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं कि इस ग्रुप में अगर हम लोग मॉडिफाई करें, जैसे यहां से बात करते हैं, ठीक है, क्वार्टनरी नाइट्रोजन मस्ट है क्या, क्वार्टनरी नाइट्रोजन मस्ट है क्या इस पर्टिकुलर क्लास के लिए, ठीक है। तो आप देखोगे जितने भी इसके डेरिवेटिव ड्रग है, चाहे आप एस्टाइल कोलिन ले लो, चाहे मेथा कोलिन ले लो, चाहे कार्बेकोलिन ले लो, हाँ, सभी में जो है क्या मिलेगा, क्वार्टनरी नाइट्रोजन। क्वार्टनरी नाइट्रोजन आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर इस नाइट्रोजन को आपने क्वार्टनरी की जगह टर्सरी कर दिया, सेकेंडरी कर दिया, एक्टिविटी डिक्रीज कर जाएगी या तो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ठीक है, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आयनिक बॉन्ड रिसेप्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसलिए ये नाइट्रोजन क्वार्टनरी होना मस्ट है, ठीक है। और जहां जहां क्वार्टनरी आएगा वहां वहां ईएम वर्ड आएगा। किसी भी ड्रग में ध्यान से समझो, इस ट्रिक को समझो, किसी भी ड्रग में अगर लास्ट में ईएम लगा है, क्या लगा है, ईएम, इसका मतलब है कि नाइट्रोजन क्वार्टनरी होगा, ठीक है, नाइट्रोजन क्या होगा, क्वार्टनरी होगा वहां पर, हाँ। तो यहां पर जो है नाइट्रोजन क्वार्टनरी मस्ट है। अगर आपने इसके ग्रुप को लार्ज कर दिया, CH3 को CH2H5 कर दिया, CH2H5 कर दिया, तो भी एक्टिविटी क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी, क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी आपका, ठीक है। ये क्वार्टनरी मैंने बताया था आपको, प्राइमरी नहीं होना है, सेकेंडरी नहीं है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर एस्टाइल कोलिन में नाइट्रोजन आपका प्राइमरी है, सेकेंडरी है, तो क्या होगा, एक्टिविटी बढ़ेगी या घटेगी, ठीक है, इसका मतलब एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि नाइट्रोजन क्या है यहाँ पर, क्वार्टनरी होना मस्ट है। सिमिलरली यहां पर देखो एस्टाइल कोलिन, यह है मेथा कोलिन, अल्फा और बीटा, है ना, अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा,
बीटा पोजीशन पर मिथाइल लगा देते हैं तो मिथाइल कोलिन होगा। इसका बात मैं करता हूं, मिथाइल लगाने से क्या होता है, ठीक है। मिथाइल लगाने से ये सिलेक्टिव क्यों हो जाता है, स्टाइल कोलिन नॉन सिलेक्टिव होता है, लेकिन मिथाइल जो है और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी बढ़ जाता है, बाइंडिंग अच्छी होती है। कार्बेकॉल में भी यहां पर देखो इसका आइसोस्टर, आइसोस्टर एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बायो आइसोस्टर जो है ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट होता है मेडिसिनल केमिस्ट्री में समझने के लिए, ठीक है। यहां पर जो है जैसे स्टाइल कोलिन है और कार्बेकॉल है, ये बायो आइसोस्टर यूज किया जा रहा है, ठीक है। बायोसिस्टर की बात करूंगा मैं अभी थोड़ी देर में। चलिए इसके बाद देखते हैं मिथाइल ग्रुप को, अगर हम मिथाइल लार्ज एल्काइल ग्रुप से अगर चेंज कर देते हैं इस मिथाइल ग्रुप को, तो एक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगी, है ना, क्योंकि वहां पर जो है प्रॉपर एलाइन नहीं हो पाता है, स्टेरिक हिंड्रेंस आने लगता है रिसेप्टर के साथ, तो बाइंडिंग नहीं होने देता है, बाइंडिंग नहीं होने देता है इस आईवी जो बांड बन रहा था रिसेप्टर से, इसलिए जो है एक्टिविटी डिक्रीज कर जाती है अगर आप बल्कि ग्रुप लगाते हो तो, ठीक है। नाइट्रोजन नहीं होगा तो आयनिक बॉन्ड बनेगा या नहीं, ठीक है। नाइट्रोजन अगर नहीं है तो नाइट्रोजन आप यहां पर रिप्लेस कर दोगे तो आयनिक बॉन्ड नहीं बनेगा। देखो रिसेप्टर्स पर बताया ना एफिनिटी होना मस्ट है, एफिनिटी नहीं होगी तो एफिकेसी नहीं होगी, पहला काम कराना है एफिनिटी, ठीक है। काइनेटिक स्टडी एब्जॉर्ब कराना है, एब्जॉर्ब कराने के ड्रग को डिस्ट्रीब्यूट कराना है, ड्रग डिस्ट्रीब्यूट होकर कहां जाएगी, जिस साइट पर बाइंड होना है उस साइट पर पहुंच जाएगी, ठीक है। वहां जाने के बाद आपका डायनेमिक वाला काम होता है, एफिनिटी होती है, इफिकेसी होती है, उसके बाद ड्रग मेटाबॉलिज्म होता है और स्क्रीट आउट हो जाएगी, ठीक है। ये स्टेप चलता है। तो यहां पर जो है जब भी देखते हैं कि एक्टिविटी कम क्यों हो रही है, इसका मतलब कि बल्कि ग्रुप लगाने से एफिनिटी नहीं हो पा रही है, क्योंकि यहां पर आयनिक बॉन्ड में हिंड्रेंस क्रिएट कर देता है, क्या क्रिएट करेगा, आयनिक बॉन्ड में हिंड्रेंस क्रिएट कर देता है। सिमिलरली अगर आप यहां पर मिथाइल की जगह प्रोपाइल लगा दिए, क्या लगा दिए, प्रोपाइल लगा दिए, तो क्या होगा, एंटागोनिस्ट एक्टिविटी आ रही है, क्यों एंटागोनिस्ट एक्टिविटी क्यों आ रही है, जो आयनिक बॉन्ड बन रहा है यहां पर, है ना, ये जो आयनिक बॉन्ड बन रहा था ये पूरा जो है इसको ब्लॉक कर देता है, ये ग्रुप जो लगा रहता है स्टेरिक हिंड्रेंस से ये बाइंड नहीं होने देता है, ये ग्रुप जो है ये आयनिक बॉन्ड बनने नहीं देता है, जिससे क्या होगा एक्टिविटी जो है आपकी नहीं हो पाती है, है ना, ओके। हाँ यस संजीव, क्या होता है इसमें, कौन सा बांड बनेगा, जो आपका रिसेप्टर होता है, देखो यहां पर जो है ये प्लस आयनिक बॉन्ड हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, ये सारे जो है जो रिसेप्टर होता है, रिसेप्टर का जो प्रोटीन एमिनो एसिड है, रिसेप्टर क्या होता है, एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है ना, प्रोटीन से, प्रोटीन क्या है, रेसिड्यू ऑफ एमिनो एसिड, मतलब पॉलीपेप्टाइड चेन होता है, किसका, एमिनो एसिड का, और एमिनो एसिड में बहुत सारे ग्रुप होते हैं ना, आप देखोगे एलिफैटिक ओएच ग्रुप वाले सेरीन जैसे है, एलिफैटिक में लुसीन है, बैलीन है, है ना, लुसीन आइसोल्यूसीन, ठीक है। सल्फर वाले जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं सिस्टीन है, एरोमेटिक वाले जो है आपके फिनाइल एलेनिन टायरोसिन है ना, हेट्रोसाइक्लिक वाले ट्रिप्टोफॉन राइट हिस्टिडीन, ये सब जो है अमीनो एसिड है, ये सब देखो बायोकेमिस्ट्री इसमें पूरा इन्वॉल्व होता है। अगर हम रिसेप्टर की बात करेंगे तो बायोकेमिस्ट्री के पूरे अमीनो एसिड आपको लर्न होना चाहिए, सारे स्ट्रक्चर विथ रिंग के साथ। याद रखना जब भी अगर रिसेप्टर की बात करोगे, इंटरेक्शन की बात करोगे, तो जितने भी अमीनो एसिड है 20 अमीनो एसिड ना, कौन से अमीनो एसिड में कौन सा ग्रुप लगा रहता है, वो ग्रुप उसके इंटरेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, तो उसको भी पता होना चाहिए, और ड्रग का ग्रुप कौन सा है जो उसे बाइंड होगा। इसलिए मैं कहता हूं कि हमेशा मेडिसिनल केमिस्ट्री की बात नहीं होती है, हमेशा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की बात होती है, फार्मास्यूटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का मतलब है आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी आनी चाहिए, आपको बायोकेमिस्ट्री के आने चाहिए, कौन सा स्ट्रक्चर उसके, प्लस फाइटोकेमिस्ट्री, प्लस एनालिटिकल केमिस्ट्री, प्लस फार्माकोलॉजी। इसलिए मेडिसिनल केमिस्ट्री में सबसे प्रॉब्लम होती है, क्योंकि फार्माकोलॉजी भी पढ़ना पड़ता है आपको, ठीक है, बायोकेमिस्ट्री भी आ जाता है उधर से, और फाइटोकेमिस्ट्री भी आ जाता है, ठीक है। तो यहां पर जो है
एक ग्रुप लगाएंगे तो आपका एक्टिविटी जो है चेंज हो जाती है, कब, जब बल्कि ग्रुप लगा देते हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर यहां पर जो है मिथाइल ग्रुप लगाया अल्फा पोजीशन पर, अल्फा पोजीशन पर अगर हम लोग मिथाइल ग्रुप लगा देते हैं तो क्या होगा, यहां पर जो अल्फा मिथाइल ग्रुप लगा दिया आपने, ठीक है ना, तो क्या होगा, यहां पर निकोटिनिक जो है निकोटिनिक रिसेप्टर एगोनिस्ट बढ़ जाता है। अल्फा पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप लगाएंगे तो निकोटिनिक का आपकी एगोनिस्ट एक्टिविटी बढ़ जाती है। अगर आप जो है बीटा पर लगाते हैं तो मस्करनिक एगोनिस्ट एक्टिविटी बढ़ जाएगी। अल्फा पर लगाएंगे तो निकोटिनिक और बीटा पर लगाएंगे तो क्या होगा, मस्करनिक। इसलिए मेथाकोलीन जो है, मेथाकोलीन है ना, और एस्टाइल अल्फा मेथाइल कोलीन, तो मेथाकोलीन जो होता है ये आपको सेलेक्टिवली जो है मस्करनिक एगोनिस्ट है, ठीक है, ओके। दूसरी चीज, मेथाकोलीन का जो एक्टिविटी होती है ये मेथाकोलीन स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोड्यूस करता है, ठीक है। एथाकोलीन जो है स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोड्यूस करता है, क्लियर। तो ये जो है इसमें क्या होना चाहिए, मेथाकोलीन लगाएंगे तो क्या होता है, सेलेक्टिविटी मस्करनी से बढ़ जाती है, और अल्फा पर लगाएंगे तो कम हो जाएगी, ठीक है। अब यहां पर देखो, ये इसकी मैं बात कर रहा था कार्बेकॉल की। अब यहां पर देखो ये कॉन्सेप्ट है, कार्बेकॉल जो है ना, और बिथेनोकॉल, दो ड्रग है यहां पर, ठीक है ना। अब ये वाली देखो, इसमें ध्यान से देखो, ये क्या है, क्या है ये देखो ध्यान से क्या है, ये इसको मैं बना दे रहा हूं। ये पूछा जाता है कि कार्बेकॉल जो है किसका डेरिवेटिव है, इसको क्या बोलेंगे, क्या बोलते हैं, दिस इज द निकोटिनिक मस्करनिक रिसेप्टर, मस्करनिक जो है अलग रिसेप्टर, निकोटिनिक रिसेप्टर, डिफरेंट टाइप के रिसेप्टर होते हैं निकोटिनिक एंड मस्करनिक, ठीक है। तो निकोटिनिक का जो प्रोटीन, जो आपका प्रोटीन जो स्ट्रक्चर है एंजाइम, उसका अलग ओरिएंटेशन है, मस्करनिक का अलग ओरिएंटेशन होता है, अलग अमीनो एसिड से बना होता है, इसलिए उसमें जो ग्रुप लगाने से अल्फा पर सेलेक्टिविटी जो है उसकी निकोटिनिक की हो जाती है, बीटा पर लगाने पर जो है मस्करनिक की हो जाती है, ठीक है। ये चीजें है, इसको हम बोलते हैं यूरिथेन, याद देखो ध्यान से देखो, यूरिथेन, यही चीज समझना है, इसी चीज को समझना है। ऐसे ही क्वेश्चंस को अगर घुमा करके पूछ दिया जाए किसका डेरिवेटिव है कार्बाकोलीन, तब जो है यूरिथेन कहा जाता है, यूरिया प्लस इथेन। यूरिया कहा है NH2CO, यूरी इथेन, तो ये क्या है, यूरिथेन डेरिवेटिव है कि नहीं है, कार्बेकॉल जो है यूरिथेन डेरिवेटिव होता है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहां पर देखो मिथाइलोपाल, यहां पर मिथाइल ग्रुप इन्वॉल्व हो रहा है। अब देखो इसमें इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, क्यों ये लगाने से क्या होता है, क्या चेंजेज आते हैं मॉलिक्यूल्स में, ये जो है इस तरह का मॉलिक्यूल है ये, यहां पर ध्यान से देखो, ये क्या है, स्टाइल कोलिन है कि नहीं है, ये कौन सा ड्रग है, स्टाइल कोलिन है ये, है ना, स्टाइल कोलिन। क्या होता है इसमें जो है, ये यहां पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, ये आपस में बॉन्ड बनाने लगता है, इसको बोलते हैं इंट्रा आयनिक बॉन्ड। तो क्वेश्चन पूछा जाता है स्टाइल कोलिन में, मतलब जो कोलिनर्जिक ड्रग है, किस ड्रग में इंट्रा आयनिक बॉन्ड बनेगा, इंट्रा आयनिक बॉन्ड बनेगा कि नहीं बनेगा, बात समझ रहे हो, इंट्रा आयनिक मतलब समझ रहे हो, आपस में ही आयनिक बॉन्ड बन रहा है। इसके नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज या मिथाइल लगा हुआ है ऐसा पता है आपको, ये आपस में बॉन्ड बनाने लगता है, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहां पर जो है ये एक लगा दिया यहां पर मिथाइल, क्या लगा दिया, मिथाइल लगा दिया, ठीक है, मेथा कोलिन हो या कार्बोकोलिन, ठीक है,
यहां पर जो है ये, अब बताओ अब किधर से लगेगा हाइड्रोजन, आयनिक बॉन्ड कहां बनेगा? आयनिक बॉन्ड बनेगा क्या? ये मिथाइल आयनिक बॉन्ड बनाने देगा क्या? ये कैसे बनेगा? बीच में स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोड्यूस कर देता है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट चलता है यहां पर। तो ये जो है इस बेस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किसमें इंट्रॉनिक बॉन्डिंग कम बनेगा, किसमें ज्यादा बनेगा। तो ड्यू टू द स्टेरिक हिंड्रेंस ऑफ मिथाइल ग्रुप अटैच टू दिस पर्टिकुलर साइड, ठीक है, ये बीटा पोजीशन में मिथाइल ग्रुप आ गया, ये अल्फा हो गया, तो ये स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोड्यूस करता है, ठीक है, जिससे इंट्रॉनिक बॉन्ड नहीं होने देता, जिससे जो बॉन्डिंग हो रही थी यहां पर इंटेंसिटी बढ़ जाती है रिसेप्टर से मिथाइल लगा देने से, इसलिए जो है वो एक्टिविटी बढ़ जाती है। क्लियर है? ये सब चीजें हैं, ये केमिस्ट्री की बात है, इसमें मेडिसिनल केमिस्ट्री में केमिस्ट्री को स्टडी करना है तो केमिस्ट्री समझना पड़ेगा, कौन सा ग्रुप लगा है, क्यों ये ग्रुप लगाया जा रहा है। तो अगर उस बेस पर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इजीली उसको समझो, इजीली आंसर दे दो। ये तभी होगा जब आप एक एक ड्रग को डिस्कस करेंगे हम, ठीक है, एक एक ड्रग को डिस्कस करेंगे। अब जैसे इसका एंटागोनिस्ट की अगर हम बात करें, ठीक है, एस्टाइलकोलिन के एंटागोनिस्ट की बात करें, एट्रोपिन की जैसे मान ली, ठीक है ना, एट्रोपिन। अब एट्रोपिन बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, अभी 2022 में भी क्वेश्चन आया था, एट्रोपिन में कौन सी हेट्रोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट है। तो इसका ट्रिक क्या है, ए से हम लोग क्या याद करते थे, ए से एंटीकोलिनर्जिक, ए से क्या है यहां पर, ए क्या है एंटीकोलिनर्जिक, एंटीकोलिनर्जिक, ए से एंटागोनिस्ट भी बोलते हैं। इसका एंटागोनिस्ट, इसका एंटागोनिस्ट स्टाइलकोलिन का। अब यहां टी जो है, टी से डिफरेंट टाइप के आपको मिलने को देखने को मिलेगा, क्या क्या मिलेगा यहां पर, टी से ट्रोपेन मिलेगा देखने को, टी से ट्रोपीन भी मिलता है जिसको हम लोग ट्रोपेनॉल कहते हैं, क्या बोलते हैं ट्रोपेनॉल, एक देखने को मिलेगा, और टी से ट्रोपिक एसिड भी कहते हैं, ए भी इसमें मिलेगा, ठीक है, ये है ना। अब जो है इसी ट्रोपीन में रो जो होता है, रो से जो है रो आता है, ट्रोपीन में रो आ रहा है, रो जो बताता है पाइरोलिडीन को बताता है, किसको बताता है पाइरोलिडीन, रो जो है रो यहां पर आ रहा है, रो जो टर्म है पाइरोलिडीन को बताता है, पाइरो का जो है रो उठा लिया, रो जो है यहां उठा लिया पाइरोलिडीन, और पीआई जो है पिप्रिडीन को बताता है, क्या बताता है पिप्रिडीन। अब ये इतनी सारी चीजें इसमें होती हैं, कैसे आपने आइडेंटिफाई किया, सिर्फ एट्रोपीन को आप ध्यान से देखो, सारे के सारे ग्रुप, सारे के सारे स्केल्टन, सारे के साइड चेन, सभी को आपको क्लियर हो जाएगा इस ट्रिक से, ठीक है। ऐसे आप रटते रह जाओगे, रिकॉल करते रह जाओगे, प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। तो सिंपल ड्रग देखिए, इसी ड्रग को कोरिलेट करिए, कौन से ग्रुप है, कौन सा अदर मॉइटी प्रेजेंट है। अब कैसे है इसमें, अगर हमने स्ट्रक्चर देखा, स्ट्रक्चर बना दिया जैसे एट्रोपीन का, क्या करना है सिंपल, इस तरह से स्ट्रक्चर बनाया, ये है पाइरोलिडीन, क्या है ये, तो पाइरोलिडीन है, तो पाइरो रो से बताया था, रो एट्रो में रो आ रहा है, एट्रो में रो आ रहा है ना, ठीक है। हाँ देखो क्या है, साल्ट की बात अलग होती है, साल्ट क्या होता है ना, साल्ट जब बनाया जाता है क्रिस्टल फॉर्मेशन के लिए, सॉल्युबिलिटी बढ़ाने के लिए, वीक एसिड वीक बेस, जितनी भी ड्रग यूज करोगे ना बेटा, क्या नाम है समीर, जितने भी ड्रग यूज करोगे या तो वीक एसिड होगी या तो वीक बेस होगा, जितने भी वीक बेस होते हैं उनका आप HCl का साल्ट बनाओगे, चाहे H2SO4 का साल्ट बनाओ, मतलब एसिड होना चाहिए, ठीक है, जैसे एफिड्रीन हाइड्रोक्लोराइड, एट्रोपीन सल्फेट, तो एट्रोपिन सल्फेट का मतलब H2SO4 से ट्रीट किया गया होगा, इसका मतलब एट्रोपिन कैसा होगा, वीक बेस होगा, कैसे हो ये नाइट्रोजन, एट्रोपिन देखो ये ट्रोपिन, एट्रोपिन ये समझ लो, ठीक है, रो से मैंने क्या बताया पाइरोलिडिन, अब इसी को आगे बढ़ा दो
ये है पीपरीडीन। तो दो इसमें एटोसाइक्लिडीन आ गई, एक तो ये आ गई है ना यहां एमेथाइल के साथ, और दूसरा ये आ गया। तो ये क्या है, ये क्या है, ये है पाइरोलिडीन, इसको बोलते हैं पाइरोलिडीन, और ये है पीपरीडीन। कैसे कैसे है इसमें, ध्यान से देखो इस वाले स्ट्रक्चर को, ध्यान से देखो ये वाला, ये क्या है, ये है पाइरोलिडीन, ये है पाइरोलिडीन, और इधर जो है ये वाला जो है सिक्स मेंबर, ये है पीपरीडीन। तो दोनों रिंग इसमें प्रेजेंट है, कैसे रिकॉल करेंगे, पायरो और पीपरीडीन, रो से पाइरोलिडीन, पी आई से पीपरीडीन, ठीक है, ये दोनों हेटरोसाइक्लिक रिंग रिकॉल हो जाएंगे इससे। ए से मैंने बताया एंटागोनिस्ट होता है, टायरोकोलिक का एंटीकोलिनर्जिक। अब देखो इसके बाद देखो क्या है, इस पूरे रिंग को ट्रोपेन कहा जाएगा, एक साथ अगर करोगे तो इसको बोलते हैं ट्रोपेन, ठीक है, ये पूरा रिंग ट्रोपेन कहलाता है। तुमने बताया सर टी से क्या याद रखना है, टी से ट्रोपेन, टी से ट्रोपेनॉल या ट्रोपीन, टी से ट्रोपिक, ऐसी रवि बनेगा जब ट्रोपीन का बनाएंगे। तो ये है ट्रोपेन, जैसे ही यहां ओएस लगा दिया, जैसे ही ओएस लगा दिया बन गया ट्रोपीन, क्या बन गया, ट्रोपीन बन गया, ट्रोपीन, और क्या बोलेंगे इसको, ट्रोपेनॉल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं। मैं एक ट्रिक की बात कर रहा हूं कि एक सिंपल ड्रग से कैसे जो है इसको सारे ग्रुप सारे रिंग को कोरिलेट करोगे, ठीक है। अब इसको जो है इस ओएच को ट्रोपिक एसिड से रिप्लेस कर दो, एट्रोपीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है, एट्रोपीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, गायब हो गया, चलो। तो एट्रोपीन का फॉर्मेशन कैसे होगा, ये है एन, यहां पर ये बन गया आपका, ये है एट्रोपीन, ठीक है। इसका मतलब क्या है, एट्रोपीन क्या होगा, ये है ट्रोपिक एसिड, यहां से ब्रेक होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एट्रोपीन को जब ब्रेक करेंगे तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, ओएच वाला बनेगा, और क्या बनेगा, और क्या बनेगा, ट्रोपिक एसिड बनता है। ट्रोपिक एसिड क्या होता है, ट्रोपिक एसिड क्या होगा, ये है ट्रोपिक एसिड, ये है ट्रोपिक एसिड, ये है ट्रोपिक एसिड, ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रोपिक एसिड। अब ट्रोपिक एसिड जो है टी से है कि नहीं, टी से है कि नहीं, ट्रोपिक एसिड है ना। अब इसी के सेमी सिंथेटिक की बात करोगे तो होमेट्रोपिन, हाँ होमेट्रोपिन, 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 ये तो यहां पर होमेट्रोपिन ट्रोपिन इस तरह से इसको डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। होमेट्रोपिन में जैसे ही तुम यहां पर होमेट्रोपिन लिखोगे वह चाह जाता है, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सी ग्रुप। इसका मतलब ये होता है इस H2OH को हटाइए यहां से, इस H2OH को हटाइए, यहां OH लगा दीजिए, जैसे ही यहां OH लगाओगे बन जाता है होमेट्रोपिन। M से क्या होता है, मैंडेलिक एसिड, क्या बोलते हैं इसको, M से मैंडेलिक एसिड, क्या बोलेंगे, मैंडेलिक एसिड, होमेट्रोपिन। HO से हाइड्रोक्सी ग्रुप लगेगा, OH लगता है, M से जैसे ही OH लगता है मैंडेलिक एसिड बन जाता है। तो वहां से ट्रिक लेते हैं इसको कि कैसे रिकॉल करेंगे, कौन सा एसिड बनेगा, OH लग गया या क्या लग गया, ठीक है। तो ये जो है ट्रोपेनॉल एसिड नहीं है, यस ट्रोपेनॉल एसिड नहीं है बेटा, क्यों, क्योंकि ये एलिफैटिक हो जा रहा है, स्ट्रॉन्ग अगर आप लोगे कोई तभी जाकर के सो हाइड्रोजन रिप्लेस करेगा, है ना। तो क्या है यहां पर ट्रोपिक एसिड जो है, अब जो ओएच लगाते हैं होमेट्रोपिन, है ना, बहुत सारे ऐसे ड्रग आएंगे जिसको हम लोग बात करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन जनरेट होते हैं, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन जनरेट होते हैं जो आपको ट्रिक के साथ सॉल्व किया जाता है। हायोसियामिन, हायोसियामिन में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है हायोसियामिन और एट्रोपिन में क्या डिफरेंस है, हायोसियामिन और एट्रोपिन में क्या डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं है स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस नहीं है, इन एनसीओमर में डिफरेंस होता है। एट्रोपिन रेसिविंग मिक्सचर यूज करते हैं, हायोसियामिन इनेंसियोमर यूज करते हैं, ठीक है, इनेंसियोमर्स,
यहाँ पर एक नया टर्म्स आपको देखने को मिलेगा और आप शायद इसको नहीं जानते होंगे या जानते भी होंगे, ये यूटोमर। यूटोमर का नाम सुना है? यूटोमर और डिस्टोमर, ये दो टर्म्स यूज किए जाते हैं, है ना। यहां पर जो मोर एक्टिव इनेंसियोमर होता है, मोर एक्टिव इनेंसियोमर होता है उसको बोलते हैं ईटोमर, लेस एक्टिव इनेंसियोमर होता है उसको डिस्टोमर बोलते हैं। तो हायोसियामिन, हायोसियामिन जो है यूटोमर होता है और उसका कौन सा फॉर्म एक्टिव होता है? एस फॉर्म एक्टिव होता है। अब उसका भी ट्रिक होता है, हायोसियामिन का कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि एस फॉर्म एक्टिव होगा, आर फॉर्म एक्टिव होगा, कैसे रिकॉल करेंगे, उसका ट्रिक क्या है? जैसे ही ड्रग का नाम लिखोगे हायोसियामिन, ठीक है, हायोसियामिन जैसे ही ड्रग का नाम लिखेंगे तो इसमें जो सल्फर है, यस सल्फर आएगा इसमें, ठीक है सल्फर आएगा, तो जो सल्फर होता है एस, उसके नेम में जो एस होता है उससे हम लोग रिकॉल करते हैं कि यह एस फॉर्म या नेगेटिव फॉर्म एक्टिव होगा, ठीक है, वो ट्रिक अप्लाई करेंगे। तो बहुत सारे ऐसे ड्रग हैं जिसमें ट्रिक को अप्लाई करके हम लोग रिकॉल कर लेते हैं कि ये कौन सा फॉर्म इसका एक्टिव होगा, ठीक है, कौन सा फॉर्म एक्टिव होगा। तो डिस्टोमर्स यूटोमर्स का कॉन्सेप्ट आता है ना, तो ये सब चीजें रहती हैं, तो एक दिन में सारी चीजें तो नहीं बात हो पाएगी, लेकिन यह कैसे स्टडी करना है, क्या क्या चीजें हमें उसमें देखना है, किसी भी ड्रग के स्ट्रक्चर में क्या क्या फाइंड आउट करना है, ये जो है थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। तो इससे हमें क्या लगेगा कि थोड़ा सा ये चीज लगने लगेगा, अदरवाइज जो है या तो उसको आप हर चीज को रटो और सब चीज को रट नहीं सकते हो, सबको याद नहीं कर सकते हो, सभी को लेकर के चलना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे क्लासिफिकेशन में बात करेंगे, अब क्लासिफिकेशन में ध्यान से देखना, क्लासिफिकेशन में देखो क्या है, यही पर बहुत सारी चीजें समझ में आ जाती है। जैसे यह है कोलिन, कोलिन में बताया अल्कोहल डेरिवेटिव होगा, अल्कोहल लगा रहेगा उसमें, उसके साथ जो है उसके डेरिवेटिव यूज होते हैं ना, एस्टाइल कोलिन, मिथेनोकार, मेथाकोलिन, कार्बेकोल। अब इन चारों में से सबसे ज्यादा मोर पोटेंट कौन है? मेथाकोलिन, मिथेनोकॉल, कार्बेकॉल, क्या होगा? मिथेनोकॉल। मिथेनोकॉल होता है लेकिन इसको यूज नहीं किया जाता वो ज्यादा, क्योंकि इसके सब साइड इफेक्ट है, मिथेनोकॉल का बहुत कम यूज करते हैं, ठीक है। एल्कोलाइड में पाइलोकार्पिन, यहाँ रिंग पूछी जाती है, पाइलोकार्पिन में कौन सी हेट्रोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट होती है? तो हेट्रोसाइक्लिक रिंग, अब देखो मैं बताया था ड्रग का जो नेम होता है, मैं ड्रग के नेम को उसके स्ट्रक्चर से कोरिलेट करता हूँ, ठीक है, ड्रग के नेम से स्ट्रक्चर को कोरिलेट करता हूँ। तो ड्रग का जो नेम होता है या तो उसके केमिकल प्रॉपर्टी पर रखा जाता है या उसके बायोलॉजिकल सोर्स से रखा जाता है, ठीक है। तो उस ड्रग का जो है बायोलॉजिकल सोर्स से आप फाइंड आउट कर लेते हो ग्रुप में कौन सा है। अब इसे पाइलोकार्पिन है, पाइलोकार्पस जेवरेंडी, है ना, इससे जो है ऑब्टेन करते हैं। तो पाइलोकार्पिन वहां से देता है, उसमें हम लोग क्या है डायहाइड्रोफिरॉन और इमिडाजोल डेरिवेटिव होता है यहां पर, है ना। अगर हम बात करें इनडायरेक्ट एक्टिव, इनडायरेक्ट एक्टिव में क्या है, इनडायरेक्ट एक्टिव जो ड्रग होती है ये स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग होना चाहिए, इसकी हाइड्रोलिसिस स्लो होना चाहिए एज कंपेयर टू दिस ड्रग। इसलिए इस वाले ड्रग का स्ट्रक्चर, इस वाले ड्रग का स्ट्रक्चर आप देखोगे तो सभी के सभी कार्बामेट वाले होंगे, कार्बामेट का मतलब NH वाले लगे रहेंगे। अब जैसे इसमें देखो लिपिड सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल, क्यों वाटर सॉल्युबल का क्या एडवांटेज है, लिपिड सॉल्युबल का क्या एडवांटेज है? अब देखो लिपिड सॉल्युबल का जो एडवांटेज है ये ट्रिपल बी को क्रॉस करेगा, ट्रिपल बी को क्रॉस करेगा, कौन, जो भी इनडायरेक्ट कोलिनोमिमेटिक है जिसको हम बोलते हैं एंटी कोलेस्टरेज, वो जो ड्रग होती है लिपिड सॉल्युबल होंगी वो ट्रिपल बी को क्रॉस करेंगी। इसका मतलब ये है कि ऐसा डिजीज जिस जो एस्टाइल कोलिन के डिफिशियंसी से होता हो, तो एस्टाइल कोलिन के डिफिशियंसी से कौन सी ड्रग होती है, कौन सी डिजीज होती है, वो है, हाँ ओकुलाजी में ट्रिक सब डिस्कस किया जाएगा बेटा, यहाँ पर जो है थोड़ा सा केमिस्ट्री पर टाइम लग जाता है ना, ठीक है। सुप्रेप सल्फर हायो सियामिन, सियामिन सल्फर से साउंड आ रहा है तुम्हारा, है ना, उसकी बात मैं कर रहा हूं,
ठीक है सुप्रीत, हाँ यस, एल्जाइमर, ठीक है एल्जाइमर, एल्जाइमर के लिए एल्जाइमर क्या है, सीएनएस प्रॉब्लम है ना, एल्जाइमर सिर्फ मेडिसिनल केमिस्ट्री में सभी को एल्जाइमर हो जाता है, एल्जाइमर का जो सिम्टम आने लगता है मेडिसिनल केमिस्ट्री में से देखते रहेंगे, सब सब ओके है, सब समझ में आ रहा है, सारा ग्रुप समझ में आ रहा है, जैसे ही बंद किया उसको और वो स्ट्रक्चर गायब, अरे कौन सा ग्रुप लगा हुआ था वहां पर, तो 60, ठीक है ना। तो अब यहां पर जो है ट्रिपल बी को वही क्रॉस करेगा जो लाइपोफिलिक होगा, वो ड्रग जो है सब एल्जाइमर में यूज होंगे, चाहे टैक्रीन हो, डोनेपेंटिन, रिवास्टिग्मिन, गैलेंटामिन, सब यूज कर सकते हैं, फैसोस्टिग्मिन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये ट्रिपल बी को क्रॉस कर जाएंगे। और ये हाइड्रोफिलिक वाटर सॉल्युबल है ना, तो ये जनरली हम लोग क्या करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, डायग्नोसिस है ना, डायग्नोसिस के लिए यूज करते हैं, क्योंकि एड्रेशन ऑफ एक्शन 60 होता है ना, और वाटर सॉल्युबल होता है, तो आप यूज कर सकते हो टॉपिकल वगैरह के लिए। ये कोवेलेंट बाइंड होते हैं सारे, मेलाथियन, पैराथियन, ये सब जो कोवेलेंटली बाइंड होते हैं, पेस्टिसाइड में यूज होता है, कोवेलेंट बॉन्ड ड्रग कौन सी बाइंड होगी जो आपको लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए यूज करना है, तो कोवेलेंट बॉन्ड जनरली हम लोग के लिए यूजफुल नहीं है, वही ड्रग यूजफुल है जो कोई एंटीडॉट हो या टॉक्सिसिटी हो गई हो किसी चीज का, जैसे मेलाथियान पैराथियान की टॉक्सिसिटी हो गई, तो हम ऐसा कोई ड्रग देंगे जो इससे भी स्ट्रॉन्ग जाकर के बाइंडिंग हो, तभी उसको रिप्लेस करेगा वो रिसेप्टर से ना, एल्डोक्सिन वगैरह जो था। तो ये इरिवर्सिबल होते हैं, ये कोवेलेंट बॉन्ड होता है, कार्बामेट्स जो होते हैं ये हाईली बाइंड होंगे, तो ये सब आपके कार्बेरिल वगैरह यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो है स्ट्रक्चर बेस अगर आप देखोगे, स्ट्रक्चर की बात करेंगे अगर इसकी, तो बहुत सारे ऐसे ड्रग हैं जो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स का है, जैसे स्टाइल कोलीन, ये सब मैंने बात किया आपको, कार्बेकोलीन वगैरह की है ना, तो एल्कोलाइड्स में, मस्करनिक एल्कोलाइड्स में देखो यहाँ पर फिरोन, टेट्राफिरोन डेरिवेटिव, ए पीरी टीन पिप्रीडीन डेरिवेटिव, एन मेथाइल पिप्रीडीन यहाँ पर आएगा हाइड्रोकेजन के साथ, ठीक है, टेट्रा हाइड्रो पिप्रीडीन। तो अगर हाइड्रोजन की बात करेंगे तो पिरिडीन लिखेंगे, अगर हाइड्रोजन नहीं लिखेंगे, देखो ध्यान समझो कभी कभी क्या होता है, दो चीजें होती है यहां पर, अगर हाइड्रोजन लिखा है, हाइड्रोजन डिनोट किया जा रहा है यहां पर 1 2 3 4 5 6, तो कहां कहां हाइड्रोजन अटैच है, 1 2 4 5 और 6, 1 2 5 6 पर हाइड्रोजन अटैच है, अगर उस हाइड्रोजन का नाम लिखते हो तब पिरिडीन बोलेंगे, अगर हाइड्रोजन का नाम लिखते हैं, हाइड्रोजन का नाम अगर यहाँ डिनोट करते हैं तो पिरिडीन कहा जाएगा, अगर आप लोग हाइड्रोजन नहीं डिनोट करोगे तो पिप्रीडीन हो जाता है, ठीक है, हाइड्रोजन नहीं डिनोट करते तो क्या हो जाता है, पिप्रीडीन, अगर हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं तो पिरिडीन हो जाता है, ठीक है। मस्करिनिन क्या है, फंगस है, मिस्टर मस्केरिया है ना, ये आपका क्वार्टनरी नाइट्रोजन के साथ आता है, यहाँ पर क्वार्टनरी नाइट्रोजन प्रेजेंट है। ये पूछा जाता है पाइलोकार्पिन, ये बहुत बार पूछा गया है पाइलोकार्पिन है ना, ये टॉपिकली यूज होता है ग्लूकोमा में, ठीक है। तो ये है आपका डाइहाइड्रोफिरॉन, जिसको बोलते हैं डाइहाइड्रोफिरॉन, ये अटैच है, प्लस ये इमीडाजोल अटैच है यहाँ पर, ठीक है, इसको बोलते हैं इमीडाजोल, इमीडाजोल रिंग इसमें प्रेजेंट रहता है, इसमें पाइलोकार्पिन में इमीडाजोल रिंग प्रेजेंट है, ठीक है। इनडायरेक्ट एक्टिंग का मतलब क्या है, कंपटेटिव इनहिबिटर, कंपटेटिव इनहिबिटर कब होगा, जब दोनों सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर एक जैसा होगा, ठीक है, कंपटेटिव इनहिबिटर की जैसे ही नाम लिया जाता है, ध्यान समझो, जैसे ही कंपटेटिव, नॉन कंपटेटिव, रिवर्सिबल, ये रिवर्सिबल का नाम लिया जाए, तुरंत पहुंच जाओ बायोकेमिस्ट्री में, मैकेलिस मेंटेन इक्वेशन, मैकेलिस मेंटेन इक्वेशन नाम सुना होगा, ठीक है, वहां पर जो है हम लोग उसको कैसे केएम जो होता है, कॉम्पिटेटिव कब होगा, नॉन कॉम्पिटेटिव कब होगा, वहां पर देखते हैं। अब देखो फाइसोस्टिग्मिन, नियोस्टिग्मिन, इन दोनों में कौन ज्यादा है ये पूछा जाता है, कौन ज्यादा स्टेबल है, फाइसोस्टिग्मिन और नियोस्टिग्मिन में कौन ज्यादा स्टेबल है, स्ट्रक्चर देख के कैसे बताएंगे, स्ट्रक्चर देख के कैसे बताएंगे कौन ज्यादा स्टेबल है, तो स्टेबिलिटी जो होती है डिपेंड करता है उसके एस्टर, मतलब हाइड्रोलिसिस जो हो रहा है। तो यहां पर जो है एमाइड है, कार्बामेट, यहां भी जो है एनएन डाइमिथाइल है, तो इन दोनों में कौन स्टेबल होगा, कौन ज्यादा स्टेबल होगा, ये वाला ज्यादा स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल है, क्यों, क्योंकि यहां पर 2-methyl+I ग्रुप लगा हुआ। अब देखो यहां प्लस आई की बात हो रही है, प्लस आई की बात हो रही है, क्या होता है प्लस आई,
क्या होता है माइनस आई, क्या होता है प्लस आर, क्या होता है माइनस आर, प्लस एम क्या होता है, माइनस एम क्या होता है, ये चीज क्लियर होना चाहिए, ये चीज क्लियर होना चाहिए। तो कब प्लस आर बोलेंगे, कब माइनस आर बोलेंगे, कब प्लस आई बोलेंगे, कौन डोमिनेंट है, कहां पर डोमिनेंट है, वो डिपेंड करता है कि क्या वो स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है या स्टेबिलिटी को घटा रहा है। ठीक है, तो ये जो है यहां पर टू प्लस आई ग्रुप है, मिथाइल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, यहां पर कंजुगेशन जो है इधर हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है पर, जिससे क्या होता है OH माइनस का इजिली अटैक नहीं हो पाता है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है इसके कंपेरिजन में। ठीक है, फाइसोस्टिग्मिन के कंपेरिजन में न्यूस्टिग्मिन ठीक है ज्यादा होता है। और क्वार्टरली नाइट्रोजन इसमें है, कोई हेट्रोसाइक्लिक रिंग नहीं प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है न्यूस्टिग्मिन में कौन सी रिंग प्रेजेंट होती है, कोई रिंग है नहीं, बेंजीन रिंग सिंपल है, कोई हेट्रोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट नहीं है, जबकि फाइसोस्टिग्मिन में इंडोल और पायरोलिडीन के साथ फ्यूज्ड है, इंडोल और पायरोलिडीन के साथ क्या है, फ्यूज्ड है। तो यहां पर जो है ये रिंग पूछा जाता है, तो क्या क्या आपको पढ़ना है मेडिसिनल में, हेट्रोसाइक्लिक रिंग इंफॉर्मेशन होना चाहिए, प्लस ग्रुप जो लगा हुआ है उसका नेचर कैसा है, वो स्टेबल है अनस्टेबल है, किस टाइप का है, तो उससे हमें क्या पता चलेगा, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन का पता चलेगा। अगर वो इजिली हाइड्रोलाइज नहीं हो रहा है तो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ड्रग की ज्यादा होगी। अगर क्वेश्चन पूछता है कि ड्रग का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ज्यादा होगा तो आप इससे आइडेंटिफाई कर सकते हो, या इनडायरेक्टली डायरेक्टली पूछ सकता है कि कौन सा ग्रुप वहां पर लगा हुआ है जिसकी वजह से आपकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है। तो एन एन डाई मिथाइल न्यूस्टिग्मिन में है, यहाँ पर एन मिथाइल कार्बामेट, दोनों कार्बामेट है, ठीक है, दोनों कार्बामेट लगे हुए हैं, तो स्टेबिलिटी डिपेंड करता है आपके, ठीक है, कार्बामेट पर, दोनों एमाइड है ना। तो ये चीजें यहां पर होती है। पाइरेटोस्टिग्मिन में सिंपल सी नाम है ड्रग का नेम से समझ में आ रहा है, पाइरेटोस्टिग्मिन ड्रग के नेम से देखिए क्या है, पायरिडो मतलब पिरिडीन, किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ क्या है, क्वार्टनरी नाइट्रोजन है, तो क्या है, पायरिडो स्टिग्मीन है। इंडोरफिन वाटर सॉल्युबल होगा क्योंकि यहां पर OH लगा हुआ है, आयनिक है, क्वार्टनरी नाइट्रोजन यहां पर है, ये वाटर में सॉल्युबल हो जाता है जिससे ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इसका वेरी शॉर्ट मतलब बहुत ज्यादा कम हो जाता है, इसलिए इसको डायग्नोसिस में यूज करते हैं, इसलिए इसको डायग्नोसिस में यूज किया जाता है मायस्थेनिया ग्रेविस में, क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल है ड्यू टू OH एंड दिस आयरिक बॉन्ड, इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है, ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बहुत कम होता है, इसलिए ये डायग्नोसिस में यूज करते हैं, क्योंकि डायग्नोसिस करना है तो बहुत लंबे से रखने की जरूरत नहीं है, आपने टेस्ट किया उसको और है ना। अब इसमें देखो डोनेफेजिल, डोनेफेजिल, डोनेफेजिल में देखो क्या क्या है इसमें, ये हेटरोसाइक्लिक पिप्रिडीन और ये है इंडेन, तो इंडेन जो है डाई डी से क्या है, डाई मेथॉक्सी ओ ओ आ रहा है ये टू ओ, तो डी से क्या है डाइमेथॉक्सी, डाइमेथॉक्सी डी ओ डाइमेथॉक्सी ने इंडेन, इंडेन का जो है ने यूज किया था, इंडेन मैंने बताया था किसी भी ड्रग का जो नेम होता है उसके जो केमिकल स्ट्रक्चर है उसमें जो ग्रुप लगे हुए हैं उसमें जो हेटरोसाइक्लिक रिंग लगा हुआ है, थोड़ा सा दो टू पार्ट टू वर्ड्स जो है मतलब टेक्स्ट जो है डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप का एड करके उसको सफलिंग करके बना देते हैं, सफलिंग करके नेम बना दिया जाता है। तो इसमें जो है डाई है ओ है डाइमेथॉक्सी, एन ई जो है इंडेन का हो गया, पी ई से पिप्रिडीन हो गया, ठीक है, और जो ये है बेंजाइल, क्या है ये बेंजाइल, बेंजाइल ग्रुप लगा हुआ, पिप्रिडीन बेंजाइल और इंडेन और डाइमेथॉक्सी, डोनेपेजिल 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 डाइमेथॉक्सी इंडेन पिप्रिडीन बेंजाइल डोनेपेजिल, इस तरह से जो है इसको इसको रिकॉल कर देते हैं कौन सी रिंग प्रेजेंट है, सीधे से पूछेगा डोनेपेजिल में कौन सी हेटरोसाइक्लिक रिंग है, तो आपने क्या किया है, क्या किया है डाइमेथॉक्सी इंडेन पिप्रिडीन, ठीक है, और बेंजाइल डोनेपेजिल। तो साउंड से और रिंग से ड्रग के नेम से कोरिलेट करके रिंग को आइडेंटिफाई करेंगे, अदरवाइज अगर आप उसको
याद कर लोगे, रटोगे इसको, तो पिप्रीडीन बहुत सारे ड्रग में मिलेगी, बेंजाइल बहुत सारे ड्रग में मिलेगा, इंडेन बहुत सारे ड्रग में मिलेगा, ठीक है। तो ये जो है आपका हाइड्रो इंडेन डेरिवेटिव, ये जो है आपको बहुत सारे ड्रग में मिलेगी, जिससे क्या कंफ्यूजन क्रिएट होता है। लेकिन जैसे ही हम ड्रग के नेम से कोरिलेट करते हैं रिंग को, तो उसको रिकॉल करने में हमको इजी हो जाता है कि इस वाली ड्रग में जो है ये रिंग होगी, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम लोग रिकॉल कर लेते हैं कि कौन सी रिंग किस ड्रग में प्रेजेंट है, ठीक है। रिवर्सिबल में आपका मेलाथियन पैराथियन, हाँ अब देखो मेलाथियन का नाम कैसे रखा, मेला, मेला से क्या आ रहा है, ध्यान से देखो क्यों कहते हैं मेलाथियन। अब अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाए, इसका ये है, ये ध्यान से देखो इसको, ये क्या है, ये क्या है, क्लियर है, क्या है ये, ध्यान से, तो क्या है ये है मैलाइक एसिड। तो मैलाथियन की सिंथेसिस जाके देखना, मैलाथियन की सिंथेसिस जाके देखना है, मैलाइक एसिड डेरिवेटिव से सिंथेसाइज किया जाता है, मैलाइक एसिड डेरिवेटिव से सिंथेसाइज किया जाता है, इसलिए मैला, मैल जो आया है ना, वहां से थायोन, मतलब थायो सल्फर है, और फास्फोरस के साथ जो सल्फर के साथ डबल बॉन्ड है, ओन ओन एस ऑक्सीजन का एसोस्टर, सल्फर इसमें जो है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, सल्फर में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये दोनों क्या है, आइसोस्टर है, तो थायोन मैलाथायोन, तो मैलिक एसिड से जो है ये आपका, ये जो है ध्यान से देखोगे ये मिलेगा। अब इसको अगर, अब दो क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या बनेगा, है ना, हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या बनता है, यहां से जो ब्रेक होता है तो क्या बनेगा, ठीक है। तो वो भी क्या है, सक्सेनिक एसिड, एसिड बनता है उसमें भी, हाँ यस, है ना। तो इस तरह से जो है इसको मायस्थेनिया ग्रेविस सुमित क्या है, इम्यून डिजीज होता है ये, है ना, तो इम्यून डिजीज होता है ये, जिसमें आपका जो रिसेप्टर होता है ना वो रिड्यूज हो जाता है। पैराथी, अब देखो ये क्या है, ये आपका प्रो ड्रग है, है ना, ये एक्टिव ड्रग नहीं है, मैलाथियन पैराथियन एक्टिव ड्रग नहीं है, मैलाक्जॉन और क्या है ये पैराक्जॉन, मैलाक्जॉन और पैराक्जॉन, यहां पर ऑक्सीजन आ जाता है, इन वीवो में जब जाएगा तो इसका ऑक्सीडेशन होता है, सल्फर देखा ऑक्सीजन हो जाता है तो पैराक्जॉन बन जाएगा, मैलाथियन में अगर ऑक्सीजन आ जाएगा यहां पर ऑक्सीजन आ जाएगा तो मैलाक्जॉन बन जाता है, तो ये प्रो ड्रग की तरह काम करता है, मतलब एक्टिव ड्रग नहीं है ये इन वीवो में ऑक्सीडाइज होता है और एक्टिव हो जाता है। तो जो एंजाइम ऑक्सीडाइज करता है वो पेस्टिसाइड में, मतलब जो आपका पेस्ट होते हैं उसमें ज्यादा रहता है, ह्यूमन बीइंग में बहुत कम रहता है, इससे क्या है लेस टॉक्सिक होता है, नहीं तो अदरवाइज बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो जाएगा, है ना, ये थोड़ा सा इसका रीजन होता है, जो ऑक्सीडाइज करता है यहां पर ऑक्सीजन के लिए वो इंजाइम जो है होना चाहिए, है ना, तो इसलिए ये प्रो ड्रग की तरह वर्क करता है, पैराक्जॉन और मैलाक्जॉन की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। इको था, अब देखो इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन ट्रिकी वाला आ जाता है, सभी जगह आप देखे होंगे नाइट्रोजन पर मेथाइल लगा था, सभी जगह, ठीक है, नाइट्रोजन पर मेथाइल लगा है, इको थायोफेट, ठीक है, तो इको का मतलब क्या है, स्टाइलकोलिन, ई स्टाइलकोलिन, कोलिन, ठीक है, कोलिन है यहां पर, ये कोलिन है, और थायो मतलब सल्फर, फेट इसका फास्फेट, ठीक है, इथाइल का जो फास्फेट है इसका है फास्फेट, ई से यहां पर इथाइल कोरिलेट करते हैं, इथाइल यहां पर एथाइल है, ये एथाइल है, ये थायो फास्फेट है, तो इसके नेम से समझ जाओगे ई का मतलब क्या है, इथाइल, इथाइल लगे होंगे, फास्फेट है, थायो फास्फेट है, लेकिन किसका है, मिथाइल का है या इथाइल का है, कैसे कोरिलेट करेंगे, कैसे कोरिलेट करेंगे, इसके नेम से कोरिलेट करेंगे, इसके नेम से कोरिलेट करेंगे कि ई से जो है इथाइल, ये इथाइल का, और को से कोलीन, ये कोलीन है, फिर थायो सल्फर है,
फास्फेट, ये फास्फेट वो एच लगा रहा होगा, क्लियर है। तो इसके नेम से ही सारी चीजें आ जाएंगी, यहां पर सारी चीजें आ जाएंगी आपको जो है ड्रग को। अब क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है, क्वेश्चन जो पूछा जाता है आपका उसमें कि कौन सा है, ये थायो डेरिवेटिव है या कोलीन डेरिवेटिव है या इथाइल डेरिवेटिव है, तो आप कैसे रिकॉल करोगे भाई, इको थायोपेट में जो है यहाँ पर फास्फोरस से क्या लगा है, इथाइल लगा है, मिथाइल लगा है, प्रोपाइल लगा है, तो कैसे रिकॉल करेंगे, इसके ई से रिकॉल कर लेते हैं। कोलीन डेरिवेटिव है कि नहीं है इससे रिकॉल कर लेंगे, कोलीन इको इसलिए कहा गया, इसलिए इको कहा गया। थायो मतलब सल्फर होगा, फेट मतलब फास्फेट होगा, सिंपल है। तो बहुत ज्यादा इसको अगर रटने लगोगे ना सब कंफ्यूजन क्रिएट करने लगेगा, लेकिन ड्रग के नेम से स्ट्रक्चर को कोरिलेट करके पढ़ते जाओगे कि ड्रग को ना, तो इजी हो जाएगा, जैसे ही उसका सामने आएगा नेम ना क्लियर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। चलिए ओके, तो ये है आपका जनरल आपका मेडिसिनल केमिस्ट्री, जैसे पढ़ना है हमको क्या क्या चीजें पढ़नी है और कैसे कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, कैसे कोरिलेट करना है, ठीक है। जैसे बहुत सारी चीजें आएंगी, जब सामने आएगा स्ट्रक्चर आएगा तब वो सबसे रिकॉल होती है। अब जैसे मैं बात करूं कि एस्टाइल कोलीन सॉरी एस्टाइल सैल्सिलिक एसिड और मेथाइल सैल्सिलेट दोनों ड्रग जो है सेम कैटेगरी में है ना, एथाइल मेथाइल सैल्सिलेट। देखो ये क्वेश्चन आता है कि यहां पर जो है ये ड्रग ये है एस्टाइल सैल्सिलिक एसिड, क्या है ये एस्टाइल सैल्सिलिक एसिड, और ये ड्रग जो है ये है मेथाइल सैल्सिलेट, इसको बोलते हैं मेथाइल सैल्सिलेट सैल्सिलेट, और इसको बोलते हैं एसिटाइल सैल्सिलेट। दोनों ड्रग का नाम सुना है, दोनों ड्रग का नाम सुना है, नहीं सुना है। अब मुझे बताओ इसमें से ये को किस रूट से देते हैं, एक किस रूट से देते हैं, ये केमिस्ट्री का खेल है। हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है जो आयली नेचर का हो, जो लिपिड में सॉल्युबल हो उसको बोलते हैं है ना हाइड्रोफोबिक, मतलब ठीक है हाइड्रोफोबिक या लाइपोफिलिक सेम चीज होता है, हाइड्रोफोबिक और लाइपोफिलिक सेम चीज होता है, ठीक है सुमित, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक दोनों सेम है। हाँ ठीक है, एस्पिरिन सैल्सिलिक एसिड है, तो कौन सा फर्स्ट वाले ओरल रूट से देंगे, यस, और सेकेंड वाला किससे देंगे, ओरल रूट से दिया डेविड, यस हाँ नाउ सेकेंड वाला किस रूट से देंगे, वो भी ओरल रूट से दिया जाता है मेथाइल सैल्सिलेट, ओके मेथाइल सैल्सिलेट, पहले आप समझ लो मेथाइल सैल्सिलेट, बाम लगाते हो, नहीं बाम आता है लगा दिया, चोट लग गई जाके लगा दिया, उसमें क्या होता है, क्या होता है एस्टाइल सैल्सिलेट या मेथाइल सैल्सिलेट क्या होता है, हाँ अश्वनी वेरी गुड, मेथाइल सैल्सिलेट को टॉपिकली यूज करते हैं, ओरल रूट से नहीं देते हैं इसको, है ना ठीक है। अब जा करके बता करना क्यों नहीं देते हैं, फिर आना केमिस्ट्री पढ़ने तो मैं बताऊंगा क्यों देते हैं, क्यों नहीं देते हैं, ठीक है समझ गए। हाँ क्या क्वेश्चन है, हाइड्रोफिलिक एक्सप्लेन करें, अच्छा हाइड्रोफिलिक क्या है, हाइड्रोफिलिक क्या होता है, देखो कोई भी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, ठीक है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा वो जो है वाटर में सॉल्युबल होगा उसे बोलेंगे हाइड्रोफिलिक, कोई भी ग्रुप है ठीक है, जैसे ये है ना,
तो ये जो है वाटर के साथ क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा, ठीक है। ये जो है कोई भी कंपाउंड अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है वाटर के साथ, वो हाइड्रोफिलिक होगा। क्या होगा? हाइड्रोफिलिक होगा। अब जैसे कोई केटायनिक वाला फॉर्म है, ठीक है, जैसे अभी हम लोग एस्टाइल कोलीन की बात करेंगे, तो एस्टाइल कोलीन क्या है, एस्टाइल कोलीन क्या होगा, वाटर सॉल्युबल होगा या नहीं होगा अगर पूछा जाता है, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज था, ये जो वाटर होता है, ये वाटर है, ये वाटर, ये जो लोन पे इलेक्ट्रॉन है, इसके साथ जो है ये बॉन्ड बना लेता है, ठीक है, आयनिक बॉन्ड के साथ यहां पर, तो सॉल्युबल हो जाता है, उसमें वाटर सॉल्युबल हो जाता है, ठीक है ना। इसलिए हाइड्रोफिलिक का मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होना चाहिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होना चाहिए वाटर के साथ, होना चाहिए तो वो सॉल्युबल होगा। ओके देखो केमिस्ट्री का सब चीजें होती हैं पंकज, जो जो ग्रुप होता है, ग्रुप का क्या है मेटाबॉलिज्म, किसका फास्ट हो रहा है, किसका स्लो हो रहा है, मेटाबॉलिज्म के बाद क्या देगा प्रोडक्ट, अगर वो टॉक्सिक प्रोडक्ट देता है तो उसको ओरल रूट से नहीं दो, ठीक है। अनस्टेबल है, ओरल रूट से नहीं दो, ठीक है। इस बेस पर जो है रूट्स को डिसाइड करते हैं, है ना। जैसे बहुत सारे ड्रग का हम लोग क्या करते हैं, एंट्री कोटिंग करते हैं, कोई ड्रग आपको ओरल रूट देना ही देना है, मजबूरी है आपकी, तो क्या करते हैं हम लोग, डोजेज फॉर्म डिजाइन ऐसा करते हैं कि एसिड का इफेक्ट ना आए, ना। तो ऐसे फॉर्मुलेशन जो एंट्री कोटेड किए जाते हैं, ऐसे फॉर्मुलेशन को फिल्म कोटेड किया जाता है, ऐसे फॉर्मुलेशन जो शुगर कोटिंग किया जाता है। तो केमिस्ट्री एक ऐसा पार्ट है ना कि हर सब्जेक्ट में इन्वॉल्व होता है, बट आप किस तरह से इन्वॉल्व करते हो उसको, कैसे इन्वॉल्व करते हो, ये आप पर डिपेंड करता है, है ना। ये आपको मान के चलते हैं कि केमिस्ट्री हो गया, इसको बंद करो, हटाओ, समझ में नहीं आ रहा है, तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन ऐसे ही बच्चे छोड़ देते हैं, सब के सब छोड़ देते हैं, उनको बस लगता है अरे यार 5 क्वेश्चन इसमें, आईपीसी में 3 क्वेश्चन, एनालिसिस से 4 क्वेश्चन, है ना। तो इस तरह से 4 क्वेश्चन करते हुए सारे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते, और जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते उनके लिए प्रॉब्लम हो जाती है, है ना। और जो अटेम्प्ट कर लेते हैं डेफिनेटली वो आ जाते हैं, ठीक है। तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी डिसाइड होता है, कैसे करना है, कौन सा फॉर्मुलेशन बनाया जाए जिससे स्टेबिलिटी बढ़े, ठीक है, कौन सा ड्रग वाटर में सॉल्युबल होगा, कौन सा जो है एसिडिक पीएच पर डिग्रेड हो जाएगा, कौन बेसिक पीएच पर डिग्रेड हो जाएगा, ये सारी चीजें जो है इसमें मेडिसिनल केमिस्ट्री में, मेडिसिनल केमिस्ट्री में बताया आपको सारे सब्जेक्ट को ऐड कर दिया जाता है, क्योंकि फार्माकोलॉजी भी ऐड करता है उसमें, बायोकेमिस्ट्री भी आपको आना चाहती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो स्ट्रांग होना चाहिए मेडिसिनल पढ़ना है तो, ठीक है। तो सारे सब्जेक्ट आपको, और एनालिसिस एनालिटिकल में भी मेडिसिनल केमिस्ट्री इन्वॉल्व बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, कहाँ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, कहाँ रोटेट कर रहे हैं, कहाँ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, कब पैरामैग्नेटिक हो रहा है, कब डायमैग्नेटिक होगा, कब सिंगलेट स्टेट होगा, कब ट्रिपलेट स्टेट होगा, ये सारी चीजें जो है केमिस्ट्री पर आएगा, कहां पर जो है आईआर एक्टिव होगा, कब इनएक्टिव होगा, डायपोल मोमेंट कहां चेंज हो रहा है, ठीक है, कब चेंज हो रहा है उसका, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ रही है, बॉन्ड स्ट्रेंथ घट रही है, बॉन्ड लेंथ रेजोनेंस पर क्या इफेक्ट आ रहा है मॉलिक्यूल्स में, ये सारी चीजें जो है आपको केमिस्ट्री से क्लियर हो जाएंगी अगर आपका बेस स्ट्रांग हो गया, ठीक है। तो नो प्रॉब्लम, हर एक का आंसर आपके सामने होगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपका जो रटने वाली टेंडेंसी है वो रिड्यूज हो जाएगी। मैंने नहीं कहना कि आपको रटना नहीं पड़ेगा, रटना पड़ेगा कुछ, बट रिड्यूज हो जाएगी, आपका टेंडेंसी रिड्यूज हो जाएगी, आप समझ के बता दोगे कि क्या होना चाहिए इसमें, ठीक है, क्लियर है। हाँ, आईएम के लिए लिपिड सॉल्युबल होना चाहिए संजीव, अगर आईएम देना है तो लिपिड में सॉल्युबिलिटी होगी। आईएम में क्या होता है, ड्रग जो है आपका लिपिड सॉल्युबल होता है और जहां इंजेक्ट करते हैं वहां एक्युमुलेट हो जाता है, ठीक है। अब वो वही बता देते हैं जहां पर मसल पार्ट लिपिड ज्यादा रहता है, मसल पार्ट ज्यादा रहेगा मसल में, ठीक है। अब वहां से धीरे धीरे ड्रग क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो आईएम वाले जो होते हैं लॉन्ग ड्यूरेशन हो जाते हैं, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन थोड़ा लॉन्ग होता है, चूंकि आयली नेचर का होता है तो पेन होता है, तो आईवी में तो दे नहीं सकते हैं, इसलिए आईएम दिया जाता है। तो लाइपोफिलिक ड्रग, है ना,
तो केमिस्ट्री से ये भी बता सकते हैं जैसे कब कब आपको सस्पेंशन बनाना है, कब उसका इंजेक्शन बनेगा, ठीक है। अब जैसे क्लोरामफेनिकॉल है, क्लोरामफेनिकॉल पॉलमिटेट है, क्लोरामफेनिकॉल सक्सिनेट है, बहुत सारे ऐसे ड्रग आएंगे जो आपके डिफरेंट डिफरेंट सॉल्ट यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, क्या रीजन है उसका, ये आपको केमिस्ट्री में क्लियर हो जाएगा कि क्लोरामफेनिकॉल पॉलमिटेट क्यों बनाया जाता है, क्यों पॉलमिटेट बनाने से सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, क्यों पॉलमिटेट बनाने से बिटरनेस कम हो गया, पॉलमिटेट बनाने से डोजेज फॉर्म कौन सा चेंज हो गया, सस्पेंशन बना दिया गया, क्यों सस्पेंशन बना दिया गया क्लोरामफेनिकॉल पॉलमिटेट का, ये क्लोरामफेनिकॉल की केमिस्ट्री पर डिपेंड करेगा, क्लोरामफेनिकॉल की केमिस्ट्री देखेंगे तब, ठीक है। ओके हाँ, जैसे मैथ होता है वैसे केमिस्ट्री भी आ जाता है, चलिए ठीक है, ओके। हाँ, ड्रग को देख करके कैसे बताएंगे कि हाइड्रोफिलिक है, हाँ कैसे बताएंगे कि हाइड्रोफिलिक है कि हाइड्रोफोबिक है। यस, ये क्वेश्चन अच्छा है। देखो क्या होता है, किसी भी ड्रग का अगर स्ट्रक्चर देख के आपको बताना है कि हाइड्रोफोबिक नेचर का है या हाइड्रोफिलिक का है। ध्यान से देखो, जैसे ही आप हेट्रोसाइक्लिक की बात करोगे, जैसे ये बेंजीन है, ठीक है, ये बेंजीन हमने बना दिया और ये साइक्लोहेक्सेन बना दिया, तो कभी भी ड्रग की हाइड्रोफोबिसिटी हाइड्रोकार्बन पर डिपेंड करता है। जितने हाइड्रोकार्बन होंगे, ध्यान समझो, जितने हाइड्रोकार्बन होंगे वो उतना ही हाइड्रोफोबिक होगा, ठीक है। तो अब ये दोनों हाइड्रोकार्बन है, ये साइक्लिक फॉर्म में है, और इसी को अगर हम इस फॉर्म में बना दें, ओपन चेन में बना दें इसको, ओपन चेन में, ठीक है, सेम चीज जो है ओपन चेन में अगर हम कर दें तो क्या होगा, ठीक है, ये साइक्लिक फॉर्म में है, ओपन चेन में दोनों हाइड्रोकार्बन है, दोनों हाइड्रोकार्बन है, ये भी हाइड्रोकार्बन है, ये अनसैचुरेटेड हो जाता है और ये सैचुरेटेड है, ठीक है। इसमें रेजोनेंस होता है, बात समझो, क्या है, बेंजीन में रेजोनेंस होता है, जब रेजोनेंस होगा तो पार्टी चार्ज यूनिट चार्ज डेवलप होंगे, पोलरिटी आएगी मॉलिक्यूल्स में थोड़ा, तो इसलिए अब ये साइक्लोहेक्जेन है, ये साइक्लोहेक्जेन ठीक है, साइक्लोहेक्जेन है, ये एरोमेटिक है, ये इसमें ऐसा कोई करेक्टर नहीं है, तो ये मॉलिक्यूल ज्यादा हाईली नेचर का, ज्यादा लाइपोफिलिक होगा, और ये ठीक है। सिमिलरली अब देखो यहां पर ये जैसे ही है, ये वाला मॉलिक्यूल्स क्या है और ये वाला मॉलिक्यूल्स क्या है, ये अब इस तरह का कोई ग्रुप आ गया, एक है पिप्रिडीन, दूसरा है पीरिडीन, पिरिडीन पिप्रिडीन अगर है तो दोनों के लाइपोफिलिसिटी में क्या डिफरेंस होगा, लाइपोफिलिसिटी जो होती है हाइड्रोकार्बन जिसमें ज्यादा, अब ये सैचुरेटेड है, इसके इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन होंगे, एरोमेटिक कैरेक्टर शो करेगा, ये ऐसा नहीं करेगा, ये ऐसा नहीं करेगा पिप्रिडीन, तो पिप्रिडीन टोटली सैचुरेटेड हो गया, हाइड्रोफोबिसिटी ज्यादा होगी इसमें, इसीलिए अब जितने भी सीएनएस ड्रग देखोगे, सीएनएस वाले ड्रग देखना ध्यान से, सीएनएस वाले ड्रग में जाके देखोगे तो आपके ऐसे ग्रुप लगे रहते हैं जो ट्रिपल बी को क्रॉस करने में हेल्प करेगा, ठीक है। अगर वो ट्रिपल बी को क्रॉस नहीं करेगा मॉलिक्यूल तो आपका सीएनएस का इफेक्ट नहीं आएगा, तो ड्रग के नेम से देख के देख बता सकते हो कि ये ड्रग ट्रिपल बी को क्रॉस करेगा, सीएनएस की टॉक्सिसिटी होगी या नहीं होगी, है ना, और कौन सा ग्रुप से हाइड्रोफोबिसिटी बढ़ रही है, किससे घट रही है, कहां से क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। तो यहां पर जो है सैचुरेशन अनसैचुरेशन जो है प्लस हाइड्रोकार्बन की लॉन्ग चेन अगर कहीं आ गई, समझ जाओ हाइड्रोफोबिसिटी बढ़ गई, कहीं भी एडिशनल हाइड्रोकार्बन ऐड हुआ हाइड्रोफोबिसिटी बढ़ना ही बढ़ना है, या अगर बेंजीन में कोई आपने हैलोजन लगा दिया तो हाइड्रोफोबिसिटी इसकी बढ़ जाएगी, हाइड्रोफोबिसिटी बढ़ जाती है, ठीक है। स्टाइल कोलिन न्यूरो, हाँ स्टाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर है, यस
लाइपोफिलिक और हाइड्रोफिलिक, देखो लिपिड सॉल्युबल, देखो सॉल्युबिलिटी के टर्म में बात करें तो लिपिड सॉल्युबल लाइपोफिलिक, वाटर सॉल्युबल हाइड्रोफिलिक, ठीक है, ये टर्म यूज किया जाता है। हाँ मिथाइल अगर बढ़ाएंगे तो लाइपोफिलिसिटी बढ़ जाएगी, यस बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि आपका जितने भी हाइड्रोकार्बन बढ़ेंगे तो लाइपोफिलिसिटी बढ़ना ही बढ़ना है। अब जैसे इसमें है, देखो दो चीज मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखो, ये जैसे ये है, ये मॉलिक्यूल्स है, दो मॉलिक्यूल्स है, ये है एक मॉलिक्यूल्स और एक मॉलिक्यूल्स ये है, ठीक है, ये है ना, और एक दूसरा मॉलिक्यूल इसी पैटर्न में है, ये मॉलिक्यूल दिया आपने, है ना। अब इसमें कौन ज्यादा हाइड्रोफोबिक है, ये वाला या ये वाला? ये है कैफीन और ये है थियोफाइलीन, समझ गए, ये कॉफी में मिलता है, ये टी में मिलता है, ये कॉफी में मिलता है, ये टी में मिलता है, तो कौन ज्यादा इफेक्टिव होगा सीएनएस में, स्टिमुलेंट में, कॉफी या टी? तो कैसे हम करेंगे, कैसे करेंगे, अब यहां पर थ्री मेथाइल लगे हुए हैं, थ्री मेथाइल से लाइपोफिलिसिटी बढ़ जाती है, ट्रिपल बी को इजिली क्रॉस करेगा, यहां पर मेथाइल नहीं है तो क्या होगा, क्या होगा, इसके कंपेरिजन में इजिली नहीं क्रॉस करेगा, ये भी करेगा कम करेगा, ठीक है। तो मिथाइल ग्रुप एडिशनली ऐड होता है, कोई हाइड्रोकार्बन ऐड होता है तो बढ़ेगा लाइपोफिलिसिटी, क्लियर है, यस, है ना। तो इस तरह से कंपैरिजन किया जाता है, किसी भी स्ट्रक्चर को कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे कौन सा क्या है लाइपोफिलिसिटी, कौन सा हाइड्रोफिलिसिटी है, कहाँ हाइड्रोबंड होगा, किसका मेटाबॉलिज्म स्लो होगा, किसका मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा, कब डीमेथाइलेशन है, कब कहां पर जो है हाइड्रोक्सीलेशन हो रहा है, हाइड्रोक्सीलेशन किस पोजीशन पर हो रहा है, उस पोजीशन पर कोई ग्रुप लगा दीजिए, हाइड्रोक्सीलेशन वहां होगा ही नहीं, ड्यूरेशन बढ़ जाएगा, बहुत सारी चीजें होती है। अब इसे वन बाय वन ड्रग की जब बात करते हैं तब वहां पर समझ में आएगा कि यहाँ पर ऐसा क्या हो रहा है, कौन सा ग्रुप लग रहा है, जिससे कौन सी प्रॉपर्टी चेंज होती है। तो ये आपको जब वन बाय वन ड्रग की बात करेंगे ना, तब आपको सारी हेट्रोसाइक्लिक रिंग और सारे ग्रुप आपको क्लियर होते चले जाएंगे, एक साथ सारे ग्रुप आप नहीं कर सकते हो, है ना। अब जैसे हमने कहा कैप्टो कैप्टोप्रिल, ठीक है, कैप्टोप्रिल, कैप्टो कहां से आ गया, मरकेप्टो से आ गया, अब कैप्टो जो ग्रुप टर्न आ रहा है कैप्टोप्रिल में, वो मरकेप्टो से आता है, ये मरकेप्टो वाला ग्रुप लगा होगा, SH लगा होगा, डेफिनेटली लगा होगा, तो इसमें आपको याद करने की क्या जरूरत पड़ेगी, कौन सा सल्फर डेरिवेटिव है ना, कैप्टो मरकेप्टो। तो इस तरह से जब ड्रग आएगा आपके साथ सामने आएगा, और स्ट्रक्चर जब सामने आएगा, जब डिस्कस करेंगे तब आपको ग्रुप क्लियर हो जाएगा और हेट्रोसाइक्लिक रिंग क्लियर होती चली जाएगी, अदरवाइज ऐसे एक साथ सब सोचे सारे ग्रुप पढ़ ले एक जगह और उसका हो गया तो नहीं हो पाएगा, अप्लीकेशन पढ़ना मस्ट है, हमने सब कुछ पढ़ रखा है, आपने सारी चीज पढ़ रखा है, लेकिन उसका अप्लीकेशन क्या है ये पढ़ना बाकी है, और मेडिसिनल केमिस्ट्री में उसका अप्लीकेशन है, चाहे वो फाइटोकेमिस्ट्री हो, चाहे बायोकेमिस्ट्री हो, चाहे मेडिकल केमिस्ट्री हो, केमिस्ट्री का अप्लीकेशन है, ठीक है, उसको कैसे अप्लाई करना है, कैसे उसको जो है यूज करना है, उसकी प्रॉपर्टी को, ये हमें जानना है, सीखना है, और स्लोली स्लोली सब सीख जाओगे, है ना, सब सीख जाओगे। बेंजोइक एसिड और फिनॉल, ठीक है, बेंजोइक एसिड और फिनॉल, तो दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, फिनॉल जो है ज्यादा स्ट्रांग होता है, फिनॉल, फिनॉल में ऑक्सीजन डायरेक्टली बेंजीन से लगा रहता है, डायरेक्ट कंजुगेशन होता है, ठीक है, और फिनॉक्साइड तुरंत बन जाता है,
सुमित, ठीक है। हाँ यस, अर्नव नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन अगर बढ़ता है तो लाइपोप्लिसिटी बढ़ेगी, डेफिनेटली बढ़ेगी। आप चाहे देख लो फिनोबार्बिटोन, पेंटोबार्बिटोन, थियोबार्बिटोन, इस सब जाके कंपेयर कर लो, जितने भी लॉन्ग चेन फाइव पोजिशन में बढ़ते हैं लाइपोप्लिसिटी बढ़ती जाती है, ठीक है। और जिसका लाइट ड्यूरेशन, जिसका रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन है, जो फास्ट एब्जॉर्ब होगा उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी उतना शॉर्ट हो जाता है ना। सैचुरेशन, देखो सैचुरेशन में क्या है, अगर वो डिलोकलाइजेशन हो रहा है तो सैचुरेशन से क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन्स, देखो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन भी दो इंपॉर्टेंट है। अगर हम टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हम बात करें, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता होना चाहिए है ना, सिग्मा इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन और फ्री इलेक्ट्रॉन, ये थ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन काम आते हैं, तुम्हें यूवी का जब एनालिसिस करते हैं, लैम्डा मैक्स कब बढ़ेगा कब घट जाएगा, साल्वेंट इफेक्ट आपने सुना होगा यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में, कि वहां पर जो है कब लैम्डा मैक्स बढ़ जाता है कब घट जाएगा किसी कंपाउंड का, वो वहां पर इस टाइप के सिग्मा इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन और फ्री इलेक्ट्रॉन डिनोट करता है। कहीं भी फ्री इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ रहा है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन मीन्स जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन आपको देखते हो, पाई इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाई जो है लेटरल ओवरलैपिंग से बनता है, सिग्मा बॉन्ड एक्सियल ओवरलैपिंग से बनता है, ये लेटरल ओवरलैपिंग होती है इसमें है ना। तो पाई जो होता है ये डीलोकलाइजली जो है ब्रेक हो जाता है, जिससे डीलोकलाइजेशन चार डेवलप हो जाते हैं पाई इलेक्ट्रॉन से। अनसैचुरेशन अगर आया है तो ये आपका चार डेवलप हो जाता है, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन जो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, इसका मतलब ये है किसी भी मॉलिक्यूल्स में अगर फ्री इलेक्ट्रॉन दिख गया डेफिनेटली वो वोलेटाइल नेचर शो करने लगेगा। जैसे हमने बात किया, ये वाटर है, ये ईथर है, ये इथेनॉल है कि नहीं है तीनों। अब इन तीनों में सबसे ज्यादा वोलेटाइल कौन सा है अगर आप पूछे, एक जनरल केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं, प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं, इन तीनों में से सबसे ज्यादा वोलेटाइल कौन सा है, तो क्या होगा, क्या आंसर देंगे। नहीं, अनसैचुरेशन होगा तो हाइड्रोफिलिक नहीं होगा, पोलरिटी आएगी, मॉलिक्यूल्स लाइपोफिलिक ही होगा, अनसैचुरेशन रहेगा तो भी लाइपोफिलिक है, वो भी हाइड्रोकार्बन ही तो है। सैचुरेशन से कम लाइपोफिलिक, लाइपोफिलिक दोनों होते हैं, चाहे सैचुरेशन हो या अनसैचुरेशन, दोनों में होता है लाइपोफिलिसिटी, ठीक है ना। संदेश, दोनों में जो है लाइपोप्लिसिटी होगी, चाहे अनसैचुरेटेड हो चाहे सैचुरेटेड हो। भाई बेंजीन क्या है, बेंजीन क्या है, बेंजीन लाइपोफिलिक है हाइड्रोफिलिक है, किस टाइप का सॉल्वेंट है, बेंजीन लाइपोफिलिक है हाइड्रोफिलिक सॉल्वेंट है, हाइड्रोफिलिक है या लाइपोफिलिक, लाइपोफिलिक सॉल्वेंट आता है। लाइपोफिलिक सॉल्वेंट तो लिमिटेड है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, साइक्लोहेक्जेन, वही फोर फाइव है जो बहुत यूज कम होते हैं लाइपोफिलिक, हाइड्रोफोबिक जो होते हैं नॉन पोलर। हाँ यस, ईथर जो होता है, ईथर सबसे ज्यादा वोलेटाइल होगा। अब क्यों होगा, सेम कॉन्सेप्ट, फ्री इलेक्ट्रॉन, जिस पर फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा वो वोलेटाइल ज्यादा होगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यहां प्लस आई ग्रुप लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां बढ़ जाएगा, यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है फिर यहां पर, तो ये सबसे कम है वाटर, देन इधर सबसे ज्यादा होगा, देन मेथेनॉल होगा, देन वाटर होगा। तो ए बी सी स्ट्रक्चर देख के आप बता दोगे कि क्या है प्रॉपर्टी, इसमें आप कोई वो नहीं है कटने की, है ना, कटने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें उसमें होती हैं, कहां पर क्या क्वेश्चन पूछा था उसके हिसाब से केमिस्ट्री अप्लाई की जाती है। ऐसे तो आप कुछ भी पूछते रहोगे, सर ये क्या है वो क्या है ऐसे क्या है, तो वहां पर जब कोई चीज एक सिस्टम से स्टडी किया जाएगा, ड्रग के टर्म में बात करेंगे, तब आपको क्लियर होता जाएगा क्या है यहाँ पर, है ना। हाँ यस, ठीक है, क्लियर, डाउट क्लियर हो गया। चलिए तो नेक्स्ट टाइम बात करेंगे और सब चीजें, ठीक है, ओके, चलिए, थैंक यू, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।
गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू. ओके. हाँ यस. क्यों का मतलब केमिस्ट्री से क्यों का आंसर मिलेगा. वाई वाई तभी आपको आंसर मिलेगा जब उसकी केमिस्ट्री आपको पता होगा. अगर केमिस्ट्री नहीं पता रहेगा तो वाई वाला जो है ना क्वेश्चन क्यों ऐसा होता है नहीं समझ में आएगा. इसलिए मॉलिक्यूलर लेवल पर जाना पड़ता है. केमिस्ट्री क्या है आपको सारी चीजें क्लियर हो. इलेक्ट्रॉन बॉन्ड सब कुछ आपको आना चाहिए. ठीक है. ओके. थैंक यू. गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू. चलिए.